आदिशक्ति परमेश्वरी जय सुर नर मुनि से श्री राधा 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 कृष्ण भ्याम नमो नमो श्री गौरी शंकर भ्याम नमो हनुमते नमो श्री भैरवाय नमो गुरुदेव
गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, 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 गुरुदेव तुम्हारे जय होवे, जय होवे जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, ओ जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, जय होवे जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, ओ जय होवे जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, 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 जय होवे जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, ओ जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, ओ जय होवे जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी 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 जय होवे, जय होवे जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, जय होवे जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, ओ जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, 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 जय होवे जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, ओ जय होवे जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव 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 गुरुदेव, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय होवे।
जय 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 गुरुदेवा 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 ओ जय 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 गुरुदेवा जय 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 गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेवा जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेवा गुरुदेव जय 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 गुरुदेव गुरुदेव सतगुरुदेव महाराज की जय हो। बोलिए श्री बंके बिहारी लाल की जय हो। लाडली श्री राधा जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। हे मेरी माई सचियां सचियां जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय कि जय जय श्री राधे श्याम जो बोले सो निरभय हर हर महादेव हर हर पर प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री राधे। बोलिए अपने अपने सदगुरु महाराज की जय हो। पहले तो इस संसार के समस्त गुरुजनों को इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। सनातन की सेवा कर रहे सभी विप्र वृंदों को इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। और जितने भी भक्त वृंद आज गुरु पूर्णिमा है और प्रातः काल नहीं बल्कि पिछले दिन से इस गुरु घर पवित्र श्री राधे राधे आश्रम में आने के लिए जो भक्त वृंद पिछले कल से ही तड़प रहे हैं और लगभग पिछले 20 दिनों से लगातार आचार्य महेश कौशल जी के पास उनके आग्रह पहुंचते रहे, वो आना चाहते थे आश्रम में गुरु पूजन करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के चलते सरकार की जो नियमावली है उसका पालन करते हुए राधे राधे आश्रम में आने से उन सभी भक्त वृंदों को रोका गया। तो सवेरे से ही भक्त वृंदों का बार बार आग्रह आता रहा कि महाराज श्री प्रत्येक वर्ष हम राधे राधे आश्रम में आकर के इस पवित्र गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आशीर्वाद प्राप्त करते थे राधा कृष्ण भगवान का, परंतु इस बार ये कैसी विडंबना घटी कि हम आ नहीं पाए। तो सभी शिष्य गणों का ठाकुर जी के भक्त वृंदों का पुनः पुनः आग्रह पहुंचता रहा, इस कारण हम कुछ क्षणों के लिए कुछ समय के लिए इस लाइव सत्संग में राधे राधे आश्रम के साथ सभी जुड़े हैं। और जो ठाकुर जी के अनंत अनंत प्रेमी
लॉकडाउन के कारण राधे राधे आश्रम में नहीं पहुंच पाए, जिनको नहीं आने दिया, इनकार किया गया कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, वो इस लाइव सत्संग में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ भी रहे हैं। और आज के इस सत्संग का समय निश्चित नहीं था कि कितने बजे से ये सत्संग हम लाइव करेंगे, इस कारण बहुत से भक्त वृंद लाइव सत्संग में नहीं जुड़ पाएंगे, परंतु फेसबुक के जरिए वो सभी भक्त वृंद आज के इस पवित्र लाइव सत्संग का बाद में भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं और करेंगे भी। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज थोड़ी रिपीट कर, प्रेम से बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो आज श्री गुरु पूर्णिमा है, इसी विषय में चर्चा होगी। वैसे तो गुरु महिमा के बारे में हम प्रत्येक सत्संग और प्रत्येक कथा में नित प्रतिदिन, जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी नहीं थी तब से हम पूर्व जितनी भी हमने कथाएं की हैं उन सभी कथाओं में गुरु महिमा के बारे में हम चर्चा करते रहे हैं। लेकिन आज इस विशेष गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरु महिमा के बारे में चर्चा अवश्य करेंगे। तो जितने भी भक्तवृंद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, आप सबको प्रेम भरी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आज हल्की सी चर्चा करेंगे गुरु तत्व के ऊपर, गुरुजन कैसे होते हैं और गुरुजनों को किस प्रकार का होना चाहिए, कौन गुरु बनकर के ढोंग करके भोले भाले सनातनियों को ठग रहा है, जो पिछली कथाओं में कई वर्षों से हम इस संदेश को साधारण ठाकुर जी के भक्तों तक, सनातनियों तक पहुंचाते रहे, आज उसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा होगी और फिर सत्संग को विश्राम दिया जाएगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और जितने भक्त वृंद पिछले लगभग हफ्ते से 10 दिन से तड़प रहे थे राधे राधे आश्रम से, जो भी कथाएं लाइव यहां से होती थी और वो लाइव कथाएं लगभग पिछले 10 दिन से लाइव कथा को विश्राम दिया गया और हम सत्संग भी ना कर पाए, क्योंकि लगभग दोनों ही आश्रमों में कार्य प्रारंभ हो चुका है लगभग, और राधे राधे आश्रम कीर्तपुर साहिब में यहाँ तो कार्य प्रगति पर है, और दुख निवारण राधे राधे आश्रम में जहाँ पर दुख निवारण गौशाला का जो निर्माण है वो शुरू ही होने वाला है, तो थोड़ी व्यस्तता के कारण हम सत्संग भी नहीं कर पाए। लेकिन जितना भी भक्त वृंद तड़प रहे थे उनको सत्संग की शुरुआत में ही सूचना दे दें कि कल से पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ हो रहा है, और इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के बाद हम श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है, पक्ष के हिसाब से संक्रांति 16 तारीख की है, उसके बाद श्रावण मास सौर तिथि के अनुसार भी शुरू हो जाएगा। तो श्री शिव महापुराण की 11 दिन की कथा, एकादश दिवस पर्यंत संपूर्ण श्री शिव महापुराण की कथा हम सब लाइव सुनेंगे। श्रावण मास में व्रत रखने का क्या फल है, शिव पूजन क्यों करना चाहिए और शिव पूजन क्यों करना चाहिए, शिव पूजन करने वालों को क्या फल प्राप्त होता है, तो हम श्री शिव महापुराण की कथा को जो श्रावण मास के चाले हैं, जैसे कि 21 तारीख को पहला नवरात्रा भी कह देते हैं लोग, तो 21 जुलाई से श्री शिव महापुराण की कथा का भी हम रसास्वादन करेंगे। और इसी श्रावण मास में माँ जगदम्बा की श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा भी हम सुनेंगे। लगभग 5 या 6 अगस्त से श्रीमद देवी भागवत महापुराण की पवित्र कथा, 9 दिन की वो पवित्र कथा भी सुनेंगे। नवरात्रों के क्यों व्रत रखते हैं, नवचंडी किसे कहते हैं, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघण, ये नवदुर्गा जो हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, माँ जगदम्बा की भक्ति करने वालों को क्या प्राप्त होता है,
क्या क्या फल उनको प्राप्त होता है वगैरह वगैरह। शिव पूजन का महत्व क्या है, एंटी सनातनी लोग जो शंकर भगवान के शिवलिंग का अर्थ अपने तरीके से गलत उसका वखान करते हैं और भोले भाले हिंदुओं को पथभ्रष्ट करने का नित प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं वो घटिया लोग। जिन लोगों को शंकर भगवान की किसी भी बात पे किसी भी लीला पे डाउट हो, जिनको शिवलिंग के बारे में डाउट हो, वो 21 जुलाई से लगातार 11 दिन पर्यंत शिव महापुराण की कथा चलेगी और नित प्रतिदिन 4 घंटा कथा होगी, 3 घंटा नहीं 2 घंटा नहीं। तो दो ये जो कथा शुरू होगी श्री शिव महापुराण की 21 जुलाई से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, तो ये एकादशी पर्यंत ये कथा चलेगी और इस कथा में महादेव से जुड़े हुए कितने ही अनसुने रोचक तथ्य आप जानेंगे। और एक बार आप शिव महापुराण की ये पवित्र कथा सुनेंगे, जो एंटी सनातनी है वो भी अगर ईमानदारी से वो 4 घंटे रोज की कथा सुनेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि 11 दिन बाद वो भी गले में रुद्राक्ष माला पहन के घूमेंगे और उस दिन के बाद अपने गंदे मुख से गंदगी उगलना बंद कर देंगे। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। तो महादेव के बारे में ये जो एंटी सनातनी लोग हैं, सनातन विरोधी जो पापी लोग हैं, राक्षस लोग हैं, राक्षसों की जो औलादे हैं, उनको महादेव के संदर्भ में किसी भी प्रकार का ज्ञान चाहिए, वो 21 जुलाई से नित प्रतिदिन 4 घंटे की नित प्रतिदिन लाइव कथा होगी, उसको सुने और प्रत्येक शंका का समाधान किया जाएगा वो भी लाइव। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो कल से शुरू हो रही है, जैसा कि आपको पता ही है कि जब से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी शुरू हुई भारतवर्ष में पहुंची और कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी आपातकालीन नियमावली बनवानी पड़ी सरकार को, तो राधे राधे आश्रम से भागवत कथाएं फिर भी बंद ना हुई। राधे राधे आश्रम से जुड़े हुए भक्तवृंद इतने धर्मी हैं, इतने सत्कर्मी हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि परिस्थितियां कैसी भी रहें, लेकिन हम मोक्ष पंथ विश्व कल्याण ट्रस्ट के मेंबर हैं, मोक्ष पंथ विश्व कल्याण ट्रस्ट के सदस्य हैं, राधे राधे आश्रम से जुड़े हैं, हम वो सनातनी हैं कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाएं, लेकिन हम मरते दम तक सनातन की सेवा करने से नहीं हटेंगे और लोगों तक सनातन का और हिंदुत्व का जो संदेश है वो ईमानदारी से पहुंचाते रहेंगे। एक बार जितने भी लाइव हमारे साथ भक्तवृंद जुड़े हैं, उन सभी भक्त वृंदों को, जिन भक्त वृंदों ने यहां से लाइव कथा करवाई, हम राधे राधे आश्रम में लाइव कथा करते हैं और जो कथा करवाने वाले मुख्य यजमान हैं अपने घरों में वो उस लाइव कथा का रसास्वादन करते रहे। और लगभग हमने 8-10 कथाएं यहां से कर दी हैं इन 2.5 महीनों में और इतनी ही कथाएं अभी और पेंडिंग पड़ी हैं। और ये जो कल से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ करना था, इसके लिए भी दो एक तीन भक्त जो हैं वो आपस में उनकी खींचातनी थी कि पहले सेवा मैंने लेनी है, लेकिन जैसी महादेव की इच्छा, जैसी राधा कृष्ण भगवान की इच्छा, और जो कल से श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथा का यहाँ से शुभारंभ होगा, उस श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथा की सेवा हमारे ही इस राधे राधे आश्रम के सर्वोच्च सेवादार जो कि शिव चरण विलीन हो चुके हैं श्री अशोक धीमान जी का परिवार ले रहा है ये कथा। श्री हमने ये कथा जो है ये जो अभी गलवान घाटी में दुष्ट पापी निशाचर चीन और उसकी सैनिकों की वजह से हमारे भारत माँ के जो सपूत शहीद हुए, ये कथा हमने उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि थी हमारे आश्रम की ओर से। और अशोक धीमान जी जो कि शिव चरण विलीन हैं, जिन्होंने इस राधे राधे आश्रम के हर मिट्टी के कण में अपने पसीने की बूंद गिराई है, इसको सींचा है अपने पसीने से और शिव चरण विलीन है, तो इस कथा को हम राधे राधे आश्रम की ओर से कर रहे थे। कई भक्त वृंदों की सेवा लेने की इच्छा थी इस कथा की, लेकिन जब धीमान परिवार का आग्रह हमारे पास पहुंचा तो हमने इस कथा की सेवा उनको ही दी। तो कल से जो श्रीमद् भागवत महापुराण की लाइव कथा होगी राधे राधे आश्रम से, ये लाइव कथा
आप सभी रसा स्वादन करेंगे। लेकिन समय कुछ बदल दिया गया है इस कथा में, क्योंकि बहुत से भक्तवृंदों का यह आग्रह आया कि लाइव जो पेपर हैं, ऑनलाइन जो क्लासेस बच्चों की लग रही थी, उनके जो एग्ज़ाम हैं, जो पेपर हैं, वो हैं अगले हफ्ते में, कल सोमवार से। तो लगभग 12:30 बजे तक वो पेपर उनका जो होगा ख़त्म हो जाएगा। तो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय कथा का रखा गया है। अगली कथाओं का समय 11 बजे से, सुबह 11 बजे से 2:30-3 बजे तक होगा। शिव महापुराण का 21 तारीख से जो हम श्री शिव महापुराण की कथा सुनेंगे, उसका समय सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक रहेगा दोपहर में। लेकिन जो कल से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुरू हो रही है, और यह गलवान घाटी में जितने भी हमारे भौजी भाई लोग शहीद हुए हैं, चाहे वो पुलवामा का हमला हुआ हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध हुआ हो, जितने भी हमारे ये भारत माँ के जो सपूत भारतवर्ष की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं, हो जाते हैं या पूर्व काल में हुए हैं, ये उन सभी शहीदों के लिए हमारे आश्रम से एक श्रद्धांजलि है। और इस कथा की मुख्य रूप से सेवा श्री अशोक धीमान जी और उनके परिवार ने ली है। हालांकि उस परिवार की ये बार बार विनती थी कि महाराज जी हमारा नाम नहीं आए, लेकिन राधे राधे आश्रम से जब सत्कर्म करने वालों का नाम लिया जाता है तो उनकी जय जयकार करवाने के लिए नहीं, बल्कि सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए। आलसी, निकम्मे और दोगले हिंदू हैं जो अपने धर्म के प्रति वफादार नहीं है। जिन लोगों ने हिंदुओं को काटा, हिंदुओं की मां बहन बहू बेटियों को लूटा, इनको सरेआम बर्बाद किया, काटा, हिंदुस्तान की बर्बादी जिन्होंने की, जो उन लोगों का आज भी गले में पट्टा डाल के ढोल पीटते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं, ऐसे दोगले हिंदुओं को जगाने के लिए यहां से राधे राधे आश्रम से जुड़े हुए सेवादारों का नाम लिया जाता है, उनको विशेष प्रसाद दिया जाता है, ताकि वो दोगले हिंदू या आलसी हिंदू या जो निकम्मे हिंदू हैं वो समझ जाएं कि तुम दोगले हिंदुओं की वजह से, तुम कुछ एक आलसी और निकम्मे हिंदुओं की वजह से बार बार युगों युगों से हिंदुओं का पतन होता रहा, हिंदुओं को मारा गया, काटा गया। आज एक समय ऐसा था जब पूरी पृथ्वी के ऊपर मात्र हिंदू थे, और आज हिंदू मात्र और मात्र भारत वर्ष में सिमट के रह गए हैं। और यह विडंबना है कि इस भारत वर्ष में भी दल बल और छल से, धड़ल्ले से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। और ये जितने भी साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, इतिहासकारों से पूछें, हमारे भारतवर्ष में क्या जितने भी ये मुसलमान लोग हैं सब हिंदू, ये वो हिंदू मुसलमान बने जो अपनी जान बचाने के लिए डर गए। इनको जान प्यारी थी, इनको धर्म प्यारा नहीं था। ये डरपोक जो हिंदू थे वो डर गए। 80% वो हिंदू, उन हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया जो डर गए, और 20% वो थे जिनको ब्लैकमेल करके, जिनको किसी ना किसी तरीके से डरा करके धर्म परिवर्तन करवाया गया। मेरे भारतवर्ष में आज भी एक भी मुसलमान नहीं है। ये जो आजकल सरकार द्वारा बनाए हुए कुछ कानूनों का, जैसे CAA वगैरह, ये कुछ एक कानून आए थे, इनका विरोध करने वाले जो कुछ एक मुस्लिम लोग हैं, ये आज भी खुद को मुस्लिम या मुसलमान समझने वाले मूर्ख हैं। इनको इतनी अकल ही नहीं कि तुम हिंदू हो। और ताज़ा सोशल मीडिया पर आजकल न्यूज़पेपर पर देखो आप, और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देखो आप, ऐसी कितनी खबरें आती हैं कि कितने मुसलमान लोग, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, यज्ञोपवीत धारण कर लिया। तो मेरे प्यारे, यहां से जो विशेष प्रसाद दिया जाता है या नाम लिया जाता है, हालांकि धीमान परिवार का यह बार बार आग्रह रहा कि महाराज श्री हमारी ओर से यह गुप्त सेवा है, लेकिन उनका नाम फिर भी ले दिया गया ताकि एंटी सनातनी लोग कान खोल के सुने कि राधे राधे आश्रम और इस आश्रम के सेवादार, मोक्ष पंत विश्व कल्याण ट्रस्ट के सेवादार, ये इतना प्रेम करते हैं अपने धर्म से, बाकी के हिंदू भी देखें,
ये इतना प्रेम करते हैं अपने सनातन से, अपने धर्म से, कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां विपरीत उत्पन्न हो जाएं, लेकिन ये लोगों तक धर्म का, संस्कृति का और सनातन का संदेश पहुंचाने से पीछे नहीं हटेंगे। एक बार प्रेम से जितना भी भक्त बंधु हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ईमानदारी से जय हिंद, जय भारत और जय सनातन का कमेंट अवश्य करें। एक बार प्रेम से बोले राधे राधे। राधे। तो मेरे प्यारे, कल से जो लाइव यहां से कथा हो रही है, उस कथा की सेवा अशोक धीमान जी और उनका परिवार ले रहा है, और श्री शिव महापुराण की कथा, उसकी सेवा के लिए कई भक्त वृंद अभी हैं, उनमें से देखते हैं महादेव किनको सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए, आज श्री गुरु पूर्णिमा है, इसके ऊपर पहले चर्चा करें। बहुत से शिष्यगण, चाहे वो किसी भी सनातनी गुरु के शिष्य रहे हों, आज वो कहीं ना कहीं उनका मन पीड़ा में है, जो अपने गुरुदेव के पास नहीं पहुंच पाए, जिनको आज के दिन गुरुदेव का दर्शन नहीं हो पाया, वो कहीं ना कहीं दुखी होंगे, कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे, अपने अपने घरों में जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, वो कहीं ना कहीं ऐसे तड़प रहे हैं। लेकिन आप एक विचार करें, आप थोड़ा सा नेत्र बंद करके विचार करें कि गुरु पूर्णिमा, हम सोचते हैं ये गुरु जी का दिन है, लेकिन सोचने का विषय यह है कि वो कौन सा दिन है जो गुरु का नहीं है। आप पूरे वर्ष में 365 दिन में जो लोग नित्य प्रतिदिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, जो सुबह उठकर के रोज सबसे पहले गुरुदेव का दर्शन करते हैं, जो लोग सवेरे उठकर के सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, जो लोग सवेरे उठकर के सबसे पहले गुरुदेव के नाम की माला फिरते हैं, उनके लिए ये दिन नहीं है, उनके लिए तो रोज ही गुरु पूर्णिमा है। प्रेम से राधे राधे बोलना पड़ेगा। हां, जो लोग बीमार हैं, वो गुरुदेव के चरणों से इतनी दूर हैं कि वो हर महीने या 6 महीने बाद गुरु जी के पास नहीं आ सकते, तो ये गुरु पूर्णिमा का दिन तो उनके लिए बना है, वो जाए गुरु जी के पास। आज जो विदेश में रहने वाले हैं, वो प्रयास करें आने का। जो बीमार हैं, वो कुछ भी करके, जो अशक्त हैं, आने में किसी प्रकार की कोई समस्या है, वो गुरुदेव के पास पूरे वर्ष भर नहीं पहुंच पाए समस्या के कारण, तो वो एक दिन तो गुरुदेव के पास अवश्य पहुंचे। ये एक दिन का जो ये महोत्सव मनाया जाता है, श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव, ये उनके लिए है। लेकिन वास्तव में प्रत्येक शिष्य का धर्म होना चाहिए कि गुरुदेव ने जो जो हमें उपदेश दिए, हम प्रत्येक गुरुदेव के उपदेश का पालन करें, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर हम चलें, गुरुदेव जिस मार्ग पर चलते हैं हम भी उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए, अनुकरण करते हुए उनके पीछे पीछे चलें। तो जो लोग नित्य प्रतिदिन अपने गुरुदेव का दिया हुआ परमात्मा का जो मंत्र है उसका भजन करने वाले हैं, उनकी तो रोज ही गुरु पूर्णिमा है। जो सुबह उठकर के नित्य प्रतिदिन गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, अब गुरुजन कौन है? अब कई लोग कहते हैं कि सवेरे उठकर के श्री रामचरितमानस में आप एक बड़ी सुंदर चौपाई आपने सुनी होगी, प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। तो वहां पर ज्यादातर लोग इस चौपाई का अर्थ क्या निकालते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, जो राम जी हैं वो सवेरे उठते हैं, और फिर सवेरे उठकर के सबसे पहला काम क्या करते हैं? मात पितु गुरु नावही माथा, वो माता पिता और गुरु जी को प्रणाम करते हैं। लेकिन जवाब देना, क्या गुरु जी रोज उनके घर में बैठे रहते थे? नहीं, गुरु जी को प्रणाम नहीं करते। गुरु जी, गुरु माने बड़ा। अब हिंदी शब्दावली में देखें, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखें, तो जैसे दिन का उल्टा रात, वैसे गुरु का उल्टा लघु। गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। तो जो अपने से बड़ों को नित्य प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, वो गुरुजनों को ही प्रणाम करते हैं।
अब गुरु कौन है हमारे? सबसे पहला हमारा गुरु हमारी मां है, जिस मां ने समस्त लोकों में सबसे सुंदर लोक इस पृथ्वी लोक को हमें दिखाया। सबसे पहले गुरु हमारी कौन है? हमारी मां। और दूसरे गुरु कौन? देखो पहली गुरु मां है, क्यों? क्योंकि उसने ये पृथ्वी लोक दिखाया, मां ना होती तो हम संसार में कैसे आते। और मां ने फिर एक और कार्य किया, क्या? मां देखो कितनी बार, जब बच्चा छोटा होता है, 6 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, 8 महीने का होता है, तो जब भी बच्चे का पिता सामने आता है तो बार बार कौन कहता है बच्चे को कि ये देख तेरे पापा आ गए, बोल पापा, कौन कहता है? वो मां कहती है। तो मां गुरु क्यों है? क्योंकि उसने संसार, ये संसार हमको दिखाया पहली बात, लेकिन उस मां ने हमको पिता का बोध कराया कि ये तुम्हारे बाप हैं, ये तुम्हारे पिता हैं, ये देखो। तो इसलिए पहला गुरु मां है। और दूसरा गुरु पिता है, जिसने हाथ पकड़ के तुम्हें पाठशाला तक पहुंचाया। दूसरे गुरु तुम्हारे पिताजी हैं। हम गुरु पूर्णिमा के दिन, अब देखना इस बार तो लॉकडाउन है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन लोग, कई माताएं ऐसी हैं कि घर में खाना भी नहीं बनाना, कोई मतलब नहीं है, घर वाले मरते मरे, जो मर्जी हो जाए भैया, बुढ़ा बुढ़ी मरे, जो मर्जी खाएं पिए, भूखे मरे, कोई चक्कर नहीं, हमें तो गुरु जी का दर्शन करना है, तो उनकी गुरु पूजा भी व्यर्थ है। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आप अपने माता पिता को प्रणाम करके नहीं आते हैं घर में, और आपके वहां पर दादा दादी हैं, उनको प्रणाम करके नहीं आते हैं, उनको जो कुछ चाहिए, दवा चाहिए, वो उनके पास लेके रखो, भोजन उनको खिला के आओ, पानी उनके सिराने रख के आओ, अगर ज्यादा बीमार हैं। हाँ, अगर सासू अम्मा खुद बोल दे कि बेटा तू जा, बेटे और बहू को बोले कि तू निकल, मैं खाना बना लूंगी, तुम लेट मत हो, तुम निकलो, तब कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप अशक्त हैं, वो बेचारे अब खाना नहीं बना सकते, और हमें तो गुरु जी का पूजन करना है, हम कहीं पीछे ना रह जाए, हमारा नंबर कहीं पीछे ना रह जाए, हमें तो सबसे आगे पहुंचना है। उस होड़ में, उस दौड़ में माँ बाप को भूखे छोड़ करके, उनको बेचारों को लाचार और बेबस छोड़ करके, हम गुरु जी के कितने भी तिलक लगा लें, कितने भी कंकण बांध लें, वो गुरु पूजा नहीं मानी जाएगी। तो मेरे प्यारे, घर में सबसे पहले माता पिता को, जब भी आप गुरु घर में जाएं, आप कहीं पर आपके नजदीक सत्संग है, जागरण है, भागवत कथा है, शिव महापुराण कथा, कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम है, मंदिर भी इवन जाने से पहले, आप अपने घर के मंदिर में भी चरण रखने से पहले, अपने गांव के मंदिर में भी पैर रखने से पहले, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो। अब थोड़ी माता पिताओं की भी थोड़ी दिक्कत है, कहीं पर बुढ़ा बुढ़ी ऐसे हैं कि बेटे से तो माता बड़े प्यार से टिकवा लेंगे, बेटे को तो गले से लगाएंगे, बहू आएगी तो नाक टेढ़ा होकर आंख के साथ लग जाता है, तो कई बहुओं की शिकायत रहती है। तो कोई बात नहीं, ये पिछले जन्मों का कोई संबंध है भैया, करने दो जो करते हैं, परंतु जो ऐसे माता पिता ऐसे होते हैं कि बहू इज्जत करना चाहती है, बहू सम्मान करना चाहती है, बहू सेवा करना चाहती है, जो बुजुर्ग लोग ऐसी बहू को लात मारते हैं, धक्का मारते हैं, कहीं ना कहीं पुराणों में ऐसा वर्णन भी है, और कहीं ना कहीं ऐसा महापुरुषों के मुख से निकले हुए वचन भी हैं कि वो लोग नरकगामी हो गए। किसी की आस्था को, किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाना, ये भी बड़ा पाप है। तो पहले गुरु मां हुई, पहला गुरु मां है जिसने पिता का बोध कराया, और दूसरा गुरु पिता है जिस पिता ने हाथ पकड़ के तुम्हें पाठशाला तक पहुंचाया, तुम्हें अच्छा स्कूल मिले, तुम्हें अच्छा टीचर मिले, वहां पर तुम्हें आने जाने की अच्छी सुविधा मिले, मेरा बेटा मेरी बेटी वो अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा पहने, इस चिंता में जिस पिता ने कभी ढंग का खा के ना देखा, पी के ना देखा, पहन के ना देखा, तो दूसरा गुरु कौन हुआ? पिताजी, जो पूरी जिंदगी अपनी औलाद को, उनके जीवन को, उनकी जीवन शैली को सरल बनाने के लिए अपने आप पानी की जगह पसीना पी लेता है, और पसीने की जगह अपना लहू बहा देता है, दूसरा गुरु वो पिता है। और
तीसरे गुरु कौन? स्कूल में जिन्होंने तुम्हें अक्षर ज्ञान करवाया, अक्षर ज्ञान करवाने वाले तक जिन्होंने जिसने पहुंचाया वो दूसरा गुरु। और तीसरे गुरु कौन है? जिन्होंने तुम्हें अक्षर ज्ञान सिखाया, पढ़ाई तुम्हें, तुम्हें पढ़ाया, जिसने स्कूल में पढ़ना सिखाया, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ पढ़ा, तो तीसरा गुरु वो। और जो तुम्हें अच्छी शिक्षा दे, जो तुम्हें सही रास्ते पर चलने का ज्ञान दे, हर शख्स गुरु तुल्य ही होता है। कई लोग कहते हैं कि गुरु एक होता है, बिल्कुल गलत है, गुरु एक नहीं है, गुरु अनेक हैं, अनेक गुरु हैं। अगर गुरु एक है तो समस्या यह है कि महाराज दत्तात्रेय जी उनके 24 गुरु कैसे हो गए? वो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का संयुक्त तो अवतार माना जाता है, माता अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वो 24 गुरु बनाते हैं। गुरु एक नहीं है, गुरु अनंत हैं। तो गुरु अनेक पर सतगुरु एक। गुरु बदले जा सकते हैं, आपका बच्चा एक स्कूल में नहीं पढ़ता तो आप स्कूल चेंज करवा देते हो, दूसरे स्कूल में डाल देते हो, दूसरे में भी ठीक नहीं चला तो तीसरे स्कूल में डाल देते हो, वगैरह वगैरह। तो गुरु बदला जा सकता है। ये जो तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाते हैं वो गुरु ही है, जिसने खाना बनाना सिखा दिया, सिलाई कढ़ाई सिखा दी, सब गुरु हैं। तो गुरु अनेक हैं पर सतगुरु एक है। और फर्क क्या है गुरु और सतगुरु में? कि गुरु तुम्हें दुनियादारी का ज्ञान देता है और सतगुरु तुम्हें दुनिया से छूट करके परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखाता है। गुरु में और सतगुरु में यही अंतर है बस। गुरु सांसारिक ज्ञान देगा, गुरु चाहेगा कि तेरा शरीर तंदुरुस्त रहे, तेरी उम्र लंबी हो, ये गुरु चाहेगा। लेकिन सतगुरु कहेगा कि तू अब गुरु मंत्र ले, तू आधे घंटे बाद मर जा, तू एक मिनट बाद मर जा, कोई चक्कर नहीं है, सतगुरु को चिंता नहीं है। सतगुरु नहीं चाहते कि तेरी उम्र लंबी हो, सतगुरु की इच्छा नहीं है। सतगुरु नहीं चाहते कि तेरा कारोबार बढ़े, सतगुरु को कोई मतलब नहीं है इस चीज से। सतगुरु की एक जिम्मेवारी है सबसे बड़ी, वो क्या? कि जिस जो मेरी शरण में आ गया, जिसने मुझे अपना हाथ पकड़ा दिया, कुछ भी हो जाए मैं इसको बार बार धरती पर आने से रोकूंगा, मैं इसका जन्म मरण का बंधन काटूंगा और मैं इसे मोक्ष दिलवाऊंगा, मैं इसे परमात्मा से मिलाऊंगा। ये सतगुरुदेव की जिम्मेवारी होती है, ये सतगुरुदेव का नियम होता है। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। और जो तुम्हारे शरीर को सुख देना चाहे, तुम तंदुरुस्त रहो, बीमारी ना शरीर में हो, और जिसका सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा संसार में ही श्री राधे। बोलबांके बिहारी लाल की। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे।
होय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे होय राधे 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 गोविंद राधे हो राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे होय गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे होय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे होय राधे 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 गोविंद राधे होय राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो मेरे प्यारे सतगुरुदेव को चिंता नहीं है, सतगुरुदेव की जिम्मेवारी नहीं है कि तेरा कारोबार बढ़े, ये सतगुरुदेव की चिंता नहीं है। सतगुरुदेव की एक जिम्मेवारी है कि बस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्कर से तू छूटे, इस चक्कर से तू छूट जाए। सतगुरुदेव की एक ही चिंता है, एक ही टेंशन है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि इसका मतलब तो यह हुआ कि मरने के बाद, बिल्कुल हां, मरने के बाद तो आनंद ही आनंद है। बोले महाराज, मरने के बाद आनंद क्या करना, जीते जी ना मिला तो मरने के बाद किसने देखा है? क्या सदगुरु के चरणों में जुड़ने के बाद जीते जी आनंद देखा जा सकता है? एक प्रश्न है छोटा सा। सदगुरु देव की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन प्रश्न उठता यह है कि क्या सदगुरु देव के चरणों में जुड़ने के बाद क्या हमारा कारोबार बढ़ सकता है? क्या हमारे जीवन में आया हुआ दुख दूर हो सकता है? प्रेम से बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। क्या सदगुरुदेव के चरणों में जुड़ने के बाद हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है? या फिर सदगुरुदेव से कंकन बंधवा दिया, उनको कंकन बांध दिया, तिलक लगा दिया, भैया हो गई मुक्ति, हो जाएगी बात खत्म? ना, मरने के बाद ही जीवन, जीवन तो खत्म हो ही जाएगा। क्या मरने के बाद ही दुख खत्म होंगे, सुख मिलेगा, या फिर जीते जी भी हम अपने दुख दूर कर सकते हैं? यह प्रश्न उठ सकता है। तो समझें विचारें, सदगुरुदेव की एक जिम्मेवारी, जब आप सदगुरुदेव के चरणों में जुड़ने लगो, सदगुरुदेव से गुरुमंत्र लेने लगो,
तो ये कामना मन में कदापि ना रखो कि जी मेरे घर में मेरा वंश वृद्धि मेरी नहीं हो रही है तो सदगुरुदेव के चरणों में मैं जुड़ूंगा तो मुझे पुत्र हो जाएगा। अब कोई रोता कि पोता नहीं हो रहा तो पोता हो जाएगा, या फिर मेरे कारोबार में बढ़ोतरी हो, मेरे धन में बरकत हो, मेरे शरीर के रोग खत्म हो, ऐसी संसार की कोई भी कामना अपने चित्त में ना रखें। जब आपने सदगुरुदेव के चरणों में जुड़ना हो, सदगुरुदेव के चरणों में जब आप जुड़ते हैं, जिस दिन गुरु मंत्र लेने लगे, जब भी गुरुदेव के पास जाके बैठे या गुरुदेव से मिले, तो एक ही इच्छा होनी चाहिए चित्त में कि हमें प्रभु कब मिलेंगे, हमें बस प्रभु मिले, ये जन्म मरण का बंधन छूट जाए। क्योंकि 84 लाख योनियां हैं इंसान बन करके, यदि हमने प्रभु की प्राप्ति नहीं की तो 83,99,999 जो योनियां हैं वो तो या तो पशु योनियां हैं, वो वृक्ष योनियां हैं, या फिर पक्षी आदि, ये सब अन्य जीवों की योनियां हैं। 83,99,999 योनियां भोगने के बाद मेरे प्यारे 84 लाखवीं योनि मनुष्य योनि मिली, और मात्र इसी योनि में आकर के आप गुरुदेव के माध्यम से प्रभु तक पहुंच सकते हो। बहुत से लोगों का ये प्रश्न भी है कि क्या गुरुदेव के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती, तो उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि गुरुदेव के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती, हो सकती है। कैसे? कितने प्रतिशत? 99.9%, 0.1% चांस है। कैसे? अब जिस गजराज की भगवान नारायण ने मुक्ति की, अब उस गजराज ने किस गुरु से गुरु मंत्र लिया था यह कथा हमने नहीं सुनी। जिन वृक्षों को भगवान श्री कृष्ण ने उखल में फंसा करके गिरा दिया, उन वृक्षों के गुरु जी कौन थे कोई नहीं जानता। तो मेरे प्यारे, पूतना, सक्टासुर, बकासुर, अघासुर, प्रलंबासुर, ये असुर, वो असुर, कितने असुर हैं जिनका भगवान ने उद्धार किया, और इनमें से कितने ऐसे राक्षस हैं जिनके गुरुओं के बारे में पता नहीं, बल्कि ज्यादातर तो राक्षस ऐसे हैं जो बेगुरु थे, और उनके गुरु ने जो ज्ञान भी दिया, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे, हमेशा उल्टा ही काम करवाया। अभी चर्चा होगी, ये जो शुक्राचार्य टाइप के जो आज भी संसार में गुरु हैं उनके ऊपर भी 10 मिनट चर्चा होगी। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। गुरु दो प्रकार के हैं, एक देव गुरु बृहस्पति की तरह और दूसरे असुर गुरु शुक्राचार्य की तरह, और वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन जिन आप जिस गजराज की बात करते हैं कि वो गजराज बिना गुरु के उद्भव से पार हो गया, आप जिन वृक्षों की चर्चा करते हैं कि वो वृक्ष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बिना गुरु से भव से पार हो गए, तो आप उनके पूर्व जीवन की कथा भी सुनो कि कितने हजारों नहीं लाखों साल पहले वो धरती पर आ गए। मेरे प्यारे, श्राप हुआ था उनको वृक्ष योनि में आने का या राक्षस योनि में जाने का, हाथी बनने का श्राप हो गया था, तो कितने लाखों सालों बाद भगवान के स्पर्श से उनकी मुक्ति हुई। तो जो इंसान बनकर के ये सोचे कि बगैर गुरु के मेरी मुक्ति हो जाएगी, वो जवाब दे कि तुम्हारी उम्र कितनी है, पहले तुम ये सोचना। तू पानी पीने लगता है, पता नहीं कि घूंट तेरे अंदर पेट तक पहुंचेगा कि कंठ में फंसा रह जाएगा। कितने लोग ऐसे मर जाते हैं, बुढ़ा मरने लगा, लोग पूछने लगे क्यों बुढ़ा मर गया, जाते वक्त कुछ बात हुई, बोले बात कुछ ना हुई, मुंह में गंगा जल डालने लगे वो भी बाहर आ गया, मुंह में पंचरतन डालने लगे तब तक तो अकड़ चुका था। कहने का मतलब ये कि उन राक्षसों की, उन वृक्षों की उम्र कितनी थी, आयु कितनी थी, लाखों वर्ष पहले वो धरती पर आ गए। तेरा तो, तेरे लिए तो 10 सेकंड के भी पता नहीं, 1 सेकंड का पता नहीं कि तू बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बगैर गुरु के कलयुग में मुक्ति होना नामुमकिन है। हाँ, अगर तेरे पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है कि तेरी आयु बड़ी लंबी होगी, तू लाखों सालों तक, तू कलयुग के अंत तक रहेगा, कब मुक्ति करेंगे, कल की भगवान आके। तो यदि तेरे पास ऐसा सर्टिफिकेट है भैया,
कि तू मरेगा ही नहीं कलयुग के अंतिम चरण तक, जब तक कल्कि भगवान आएंगे उनके हाथों से तू मरेगा तब मुक्ति होगी, उल्टे काम भी करता रहे तू बेगुरा भी रहे तब मुक्ति हो सकती है। लेकिन भगवान तो आएंगे कलयुग के अंतिम चरण में, 4,32,000 वर्ष की आयु है, अब ना जाने भगवान आएंगे 4,30,000 साल बाद। तो मेरे प्यारे इतनी उम्र तेरी है तो बेगुरा रह ले, अगर तुझे पता है इस बात का कि कलयुग में मौत का पता ही नहीं, पहले अटैक भी होते थे, 3-2 अटैक हो गए तो लोग कहते थे तीसरा अटैक आएगा तो मरेगा, आजकल तो पहले में ही राम नाम सत हो जाता भैया, ये भी नहीं पता लगता कि अटैक हुआ इसको। इसलिए बिना गुरु के भव से पार होना असंभव है इस कलयुग में। सतयुग की त्रेता के द्वापर युग की बात छोड़ो, इस कलयुग में असंभव नहीं नामुमकिन, बात खत्म हो गई। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि अगर गुरुदेव के चरणों में हमने जाना, गुरुदेव के चरणों के पास बैठना है, गुरु मंत्र लेना है और सदगुरुदेव के पास जाकर के एक ही कामना करनी है कि प्रभु मिलन हो, तो हमारे जीवन की समस्याएं दूर नहीं होंगी। घर में क्लेश रहेगा, शरीर रोगी रहेगा, अब जब बैठ ही ना सकेंगे तो गुरु जी माला कैसे फेरे, ये प्रश्न है। जब हाथ उठेगा ही नहीं, माला पकड़ने का सामर्थ्य ही नहीं है, उठ करके बैठने का सामर्थ्य ही नहीं है, तो आप बताएं कि कैसे माला जपेंगे, कैसे भजन होगा, कैसे फिर भव से पार होंगे या कैसे जीवन में सुख आएगा। तो वहां पर इस प्रश्न का उत्तर मेरे ख्याल से जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा उनके मन में विचार रहता है कि हमने फलाने गुरु जी से गुरु मंत्र लिया था। बोले भी हाँ, तो कैसे रहे? बोले बस कैसे, 15 साल गुरु मंत्र लिए हुए हो गए। बोले क्या परिवर्तन आया? बोले परिवर्तन ये आया, पहले पक्के मकान थे अब तंबू में रहते हैं, बस ये परिवर्तन हुआ। अब तू लखपति से भिखारी हो गया, इसमें गुरु जी का दोष नहीं। तू भिखारी से अरबपति हो गया, इसमें गुरु जी ने कुछ नहीं किया। सदगुरु की बात कर रहा हूं, प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। तू बीमार था तंदुरुस्त हो गया, सदगुरु ने नहीं किया। और जो सदगुरु बनके गुरु बनके ऐसे चमत्कार करे वो गुरु नहीं हो सकता, वो जादूगर है, वो पखंडी है। क्योंकि सदगुरु की सिर्फ एक जिम्मेवारी है, और सदगुरु कभी क्रेडिट लेती भी नहीं, श्रेय लेते नहीं है कि मैंने किया। और जो सदगुरु होकर के अपने आप को गुरु कह के छोटी छोटी बातों को क्रेडिट लेने लग जाए कि मैंने किया, ये श्रेय मुझे मिलना चाहिए, मैं बहुत महान बाबा हूं, मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, हैं, मैंने तो मरे हुए को जीवित कर दिया, मैं तो ऐसे हाथ घुमा करके भूत निकाल देता हूं, मैं ये कर देता हूं वो कर देता हूं। जो संत या गुरु होकर के श्रेय प्राप्त करने लग जाए वो ढोंगी हो सकता है, वो जादूगर हो सकता है, वो गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि सदगुरु इन चमत्कारों से दूर रहते हैं। हां, सदगुरु के चरणों में जाकर के किसी के जीवन में चमत्कार हो जाए वो बात अलग है, लेकिन सदगुरु कभी नहीं कहेगा कि मैंने चमत्कार किया, क्योंकि सदगुरु को फुर्सत नहीं है इन्हें पखंड का, ये पखंड करने का सदगुरु को कोई मतलब नहीं है, उनको फुर्सत नहीं है इसकी। सदगुरु कौन? जिसने सत का आश्रय ले लिया, जिसको मात्र परमात्मा से मतलब है, परमात्मा की बताई हुई बातों से मतलब है, जिसने खुद को भुला दिया है, जिसने अपने आप को जो भूल चुका है, जिसको मात्र परमात्मा याद है वो सदगुरु है। और जो छोटी छोटी बातों का क्रेडिट लेने लग जाए, हम मैंने तो ये कर दिया, मैं तो वो करने में समर्थवान हूं, ताकि मेरे आगे ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटे, मेरे पैरों में लोग गिरे, जब मैं चलूं तो 10-15 गाड़ियां आगे पीछे हों, जो ऐसे पखंडवाद को बढ़ावा दें, वो कभी भी गुरु नहीं हो सकता, वो गुरु के वेश में कोई ठग हो सकता है। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। लेकिन फिर भी प्रश्न उठता है कि क्या जीवन परिवर्तित हो सकता है? कई लोग कहते हैं कि जी मुझे 20 साल हो गए फलाने गुरु से गुरु मंत्र लिया था, नहीं फर्क पड़ा कोई। और कई लोग कहते हैं ले जी जिस दिन से गुरु मंत्र लिया मेरा तो जीवन ही बदल गया, ऐसे भी हैं लोग। तो ये एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो किसी गुरु के चरण में जाने के बाद कहते हैं कि मेरा जीवन नहीं बदला, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमारा जिस दिन से गुरु जी की कृपा हुई, मतलब गुरु जी के चरणों में मैं लगा, मैंने गुरु जी के हाथ में अपना हाथ पकड़ाया, उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया, ऐसे लोग जो हैं। तो ये बदलाव होना या नहीं होना किस पर निर्भर है? शिष्य पर। अब कैसे? सदगुरु जी जो भजन करते हैं, नित्यनेम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, एक ही संकल्प करते हैं कि प्रभु
सारे विश्व का कल्याण हो, मेरे सभी शिष्यों को स्वीकारना। जब भी ये पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके इनका इनकी आत्मा, ये जो मेरे शिष्य, जो असल में मेरे शिष्य हैं आत्माएं, ये इस हाड़ मांस के पुतले को छोड़ के बाहर निकले, तो हे परमात्मा मेरे इन बच्चों को तुम स्वीकार कर लेना। इनको धक्का देकर के दुनियादारी में मत भेजना, ताकि ये दर दर की ठोकर ना खाएं, कुत्ता बैल बंदर गधा बन के ये ठोकरें ना खाएं दुनिया की। तो सदगुरुदेव तो यही विनती करते हैं बस। अब जीवन तुम्हारा बदलता है कि नहीं बदलता है, फायदा होता है या नुकसान होता है, ये तुम्हारे कारण। अब कैसे? जिस दिन आप सदगुरुदेव के चरणों में जुड़ते हैं, उसी दिन आप सदगुरुदेव महाराज जी के हाथ में कंकण बांधते हैं, गुरुदेव आपको कंकण बांधते हैं, और फिर आपको एक गुरु मंत्र दिया जाता है। गुरु मंत्र कहते हैं उसको। और इस कलयुग के कारण एंटी सनातनी, जिन्होंने चार वेदों में गुरु की महिमा, वेदों में गुरु की महिमा है, ऋग्वेद में बड़ी महिमा है, तो वेदों में गुरु की महिमा है ये तो जान लिया, पर गुरु मंत्र किस प्रकार से देना है और गुरु मंत्र देने से पहले अपने आप को किस सांचे में ढालना है और फिर किस प्रकार से शिष्यों को किस सांचे में ढालना है, उनको ये मतलब नहीं, क्योंकि वो वेद के विरोधी हैं, वो पुराणों के विरोधी हैं, वो शास्त्रों के विरोधी हैं, वो सनातन के विरोधी हैं। और फिर उन लोगों का तरीका भी कोई नया ही होता है। क्यों? क्योंकि कलयुग में पखंड को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलता है। मुंह से फूंक मार करके शंख बजाने वाले को कोई नहीं देखेगा, नाक में शंख ठूस करके फूंक नाक से मारेगा, शंख बज जाएगा ना, फिर दुनिया हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी, और सबसे ज्यादा हिंदू लोग ये पखंडी लोगों के पीछे ज्यादा लगते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, हालांकि सदगुरुदेव अपने नाम का मंत्र नहीं देते, जो वेदों के मंत्र हैं, परमात्मा का जो मंत्र है, नाम है, परमात्मा का नाम ही मंत्र रूप में अपने शिष्य को देते हैं सदगुरुदेव। और जब सदगुरुदेव ने आपको गुरु मंत्र दे दिया, एक मंत्र दिया, उस मंत्र में नाम परमात्मा का है। अब बहुत से लोगों को शंकर जी का गुरु मंत्र मिला होता है, कई दुर्गा के मां जगदम्बा के सेवक हैं, उनको चंडी मां का, दुर्गा का गुरु मंत्र मिला होता है, मां जगदम्बा का, कई राधा कृष्ण भगवान के प्रेमी हैं, उपासक हैं, तो उनको, उन शिष्यों को राधा कृष्ण भगवान का गुरु मंत्र मिला होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लेके कई मंत्र, मतलब उस मंत्र में परमात्मा का नाम होगा, गुरु जी का नहीं होता। तो अब आपको सदगुरुदेव ने दे दिया मंत्र, बात हो गई खत्म, आप बड़े खुश हुए, हमने सदगुरुदेव से मंत्र ले लिया, आज से हम चेला बन गए, अब कहीं भी बात होगी कोई बोलेगा, हाँ जी आपने किससे गुरु मंत्र लिया, बोले उनसे गुरु, अरे हमने भी उनसे लिया, एकदम से चीख के बोलते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बड़े बड़े लंबे लंबे श्वास की फुंकार भर भर के बोलते, हमने 20 साल पहले गुरु मंत्र लिया, कोई बोलता मैंने 50 साल पहले गुरु मंत्र लिया, लेकिन विडंबना, गुरु मंत्र लिए 50 साल हो गए लेकिन 50 पैसे का जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, गाली निकलना बंद नहीं हुआ, लालच करना बंद नहीं किया, पाप करना बंद नहीं किया, ठगी करनी बंद नहीं की, धर्म करना शुरू ना किया, सबकी इज्जत और सम्मान करना शुरू ना किया, लेकिन 50 साल मुझे सदगुरुदेव का गुरु मंत्र लिए हुए हो गया। तो ऐसे लोग ये कहीं ना कहीं गुरु का होने के बाद भी बेगुरे, और ये गुरु जी को फंसा लेते हैं। अभी सुनेंगे थोड़ी सी कथा। तो मेरे प्यारे, जिस दिन आपको गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया, समझ लेना उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी चाहिए, आपका जीवन परिवर्तित होना चाहिए, आपके शरीर में रोग है वो दूर होना चाहिए था, आपके पास पैसा कम है वो बढ़ना चाहिए था, आपकी प्रॉपर्टी कम है वो बढ़नी चाहिए थी, यदि आपकी इच्छा है तो, आपके चाचे मेरे पास महंगी गाड़ी हो तो वो आनी चाहिए थी, 6 महीने में नहीं आती तो 6 साल में तो आती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो गलती आपकी, गुरु जी की कोई गलती नहीं। अब कोई बोलेगा हमारी गलती कैसे, तो सुनना,
जिस दिन आपने गुरु जी को कंकण बांधा, गुरु जी ने आपको मंत्र दिया, किसका मंत्र है? परमात्मा का। और तुमने उस मंत्र का जाप नहीं किया। मुझे एक बात का जवाब देना, रावण का एक सिर था, 10 सिर हो गए, कौन सी फैक्ट्री में जाके सिर फिट करवाए उसने, बताना जरा। मंत्र जाप किया, वो रावण लंकापति रावण हो गया। सिर्फ क्या किया? नाम जपा, शंकर जी के गुरु महादेव, ये रावण जी के, रावण के गुरु महादेव शंकर जी। तो रावण के एक सिर से 10 सिर हो जाते हैं, कहां जाकर के उन्होंने सिर फिट करवाए, बताना जरा। इवन शंकर भगवान ने भी गुरु बनाए, कहां, कौन? कृष्ण भगवान को गुरु बनाए, वो शिव महापुराण में सुनेंगे पूरी कथा। लेकिन हम सुनते हैं कि हिरण्यकशिपु को महाराज अजीबो गरीब वरदान मिल गया, ना मैं अंदर मरू ना बाहर मरू, ना जल में ना थल में ना नभ में मरू, मैं 12 महीनों में भी ना मरू, कितना विचित्र वरदान। इवन स्वर्ग के देवताओं को भगा दिया उसने, राजा बलि ने स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया, पूरी धरती के वो राजा बन गए। कब? गुरु मंत्र का जाप करके। जब उन दैत्यों ने, राक्षसों ने गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र जपा, तो देवता को प्रकट हो गए सामने आके। जब आप किसी देवता का मंत्र जाप करते हैं, जपते हैं और इतना जपते हैं कि आपको, आप सोए हैं और आप सोए हुए भी सपने में भी माला पकड़ के बैठे हैं, इतनी आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। आप किसी से बात भी करते हैं तब भी आपके अंदर मंत्र चल रहा है, आपके कानों में अपने अंदर चल रहे उस गुरु मंत्र को जपने की ध्वनि सुनाई देती है। वही समय होता है कि आपका प्रत्येक कार्य सिद्ध होने लगता है। और फिर वही नियम जब आपका चरम सीमा पर पहुंच जाता है, भजन आपका बढ़ता जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि जिस देवता के रूप का, स्वरूप का, अवतार का आप नाम जपते हैं, वो भगवान सामने प्रकट हो जाता है। आप तंदुरुस्ती मांगते हो तो तंदुरुस्ती मिलेगी, आप पुत्र पोता पड़पोता कुछ भी मांगते हो वो भी मिलेगा, आप पैसा मांगते हो, प्रॉपर्टी मांगते हो, गाड़ी बंगला जो मांगते हो आपको मिल जाता है। लेकिन गुरु जी ने आकर के नहीं दिया, गुरु जी ने नहीं बोला भगवान को कि प्रभु मेरे शिष्य को गाड़ी दे दो, गुरु जी ने तो मंत्र दे दिया। और गुरु जी बिजी हैं भैया तेरे लिए, जो गुरु जी रात दिन चलते फिरते उठते बैठते नाम की माला फिरते हैं ना परमात्मा के नाम की, वो तेरे भले के लिए ही कर रहे हैं कि तुझे मुक्ति मिले, तू जितने पाप करता है वो तेरे पापों का फल तुम्हें भोगना ना मिले, तुम उन पापों से छूट जाओ और तुम्हारी मुक्ति हो जाए। इसलिए सदगुरुदेव 24 घंटे माला गले में डाल के, हाथ में डाल के घूमते हैं भैया, वो तो उधर बिजी है भैया। क्योंकि अगर गुरुदेव को गाड़ियां देनी है तो अपने सब चेलों को देते, क्योंकि सदगुरु तो वही है जिसकी नजर में सब एक बराबर है। और जो भेदभाव करने लग जाए तो वो सदगुरु नहीं कहला सकता। जिसकी दृष्टि में समता है वो सदगुरु है, जो सहनशील है वो सदगुरु है, जो सबका भला करने की भावना चित्त में रखते हैं वो सदगुरु हैं, और जो अपनी शरण में आए प्रत्येक जीव को सदज्ञान दे वो सदगुरु हैं, जो शिष्यों को सही मार्ग दिखाए वो सदगुरु है। तो मेरे प्यारे, अब आप एक बात समझें कि जितने भी लाइव भक्तवृंद हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि बाद में भी कई भक्तवृंद इस लाइव सत्संग को सुनेंगे, आप किसी भी गुरु के शिष्य हो मतलब नहीं है, आपके गुरुदेव ने आपको गुरुमंत्र दिया है परमात्मा का नाम, और उस नाम को आप बस जपो। आपके बेटे को मेले में जाना, मेला देखने के लिए, जवाब देना छोटा सा, आपके बेटा, आपका बेटा जिद करने लगा, पापा मुझे मेले में जाना है, मेला था 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर घर से, अब ऑटो वगैरह लगे थे आने जाने के लिए, आपने 1,000 रुपया जेब से निकाला, अपने बेटे को दे दिया, ले बेटा जा मेले में, जा घूम खा पी ऐश कर। अब बेटा ने वो 1,000 रुपया जेब में डाला, अब घर से निकला, ऑटो जा रहे थे लेकिन वो ऑटो में नहीं बैठा, पैदल जाने लगा, पसीने से बुरा हाल, मेले में पहुंच गया, पानी तो यहां कहां वहां कहीं भी पी लिया, लेकिन अब भूख लगी तो खाए, क्या जलेबियां बन रही थी, गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे थे, अब
बहुत सी जगह और भी मिठाइयां लगी हुई थी दुकानों में, लेकिन अब जीभ से तो पानी टपक रहा था कि मैं मिठाई खाऊं, लेकिन खाई नहीं। सवेरे 8 बजे से निकला, शाम को 5 बजे फिर से मेले से आया, आते आते चप्पल भी टूट गई, पैदल आया और घर में आके अपने बाप से लड़ने लगा, अपने पिता से वो बच्चा लड़ने लगा कि मुझे तो पैदल जाना पड़ा, मैं पैदल आया हूं, मेरी तो चप्पल भी टूट गई और मैं तो भूखा मर गया पूरे दिन। अब जवाब देना कि पिता की गलती है कि बेटे की गलती है, जवाब देना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा। जितने भी भक्त वृंद लाइव हमारे सत्संग को सुन रहे हैं वो जवाब देना, पिता ने 1000 रुपया दिया था, बेटा ऑटो में नहीं बैठा, 5 रुपए लगने थे आने जाने में, 5 रुपए आने में, 990 रुपए फिर भी बच जाने थे, लेकिन उस बच्चे ने, उस बेटे ने ऑटो में ना वो गया ना आया, पैदल गया आया, पिता ने कुछ नहीं कहा, पैसे दिए जा ऐश कर, और वहां वो भूखा घूमता रहा, कुछ 1 रुपया भी नहीं खर्चा, जेब में पैसे लेके गया वापिस आ गया। अब किसकी गलती है? भूखा रहा किस कारण? अपनी गलती के कारण। नंगे पैर आना पड़ा अपनी गलती के कारण। गया पैदल आया पैदल अपनी गलती के कारण। बाप की तो कोई गलती नहीं है ना। तो वैसे ही गुरुदेव ने तुम्हें गुरु मंत्र दे दिया, परमात्मा का नाम दे दिया तुम्हें, तुम नहीं खर्चते हो तो गुरु जी की क्या गलती है? तुम्हें पैसा दे दिया पिता ने, तुम खर्च ऐश करो, ये दुनिया भी तो एक मेला ही है। गुरुदेव तुम्हारे माता है, तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारे पिता है, वो आपको जो मंत्र देते हैं ना, परमात्मा का नाम, ये पूरे संसार की दौलत एक तरफ और सिर्फ राम एक तरफ, फिर भी ये दौलत उस परमात्मा के नाम की बराबरी नहीं कर सकती। और वो सदगुरुदेव आपको ऐसा मंत्र देते हैं, ऐसा नाम, परमात्मा का नाम आपको संभाल देते हैं। अब आप नहीं खर्चते हो, सवेरे उठ के आपने 8 बजे उठना है, पूरा दिन गालियां तो 50 निकाल देनी, पर 5 बार गुरु मंत्र नहीं बोलोगे मुंह से, अब गुरु जी क्या करें? बोलो राधे कृष्ण। आपने गुरु मंत्र लेने के बाद 20 साल 30 साल 40 साल निकाल दिए और एक दिन मृत्यु हुई और फिर परमात्मा के पास, परमात्मा के पास तो नहीं पहुंचे, यमराज की कचहरी में पहुंच गए, वहां हिसाब किताब होने लगा, गुरु जी की गुआई पड़ेगी, आओ वे किसका चेला है? गुरु जी जाएंगे, हाँ जी तेरा चेला गुरु जी, सिर झुका के खड़ेंगे, हाँ मेरा ही है, काम चोर एक नंबर का मेला है, मेरा ही है। तो गुरु जी को भी शर्मिंदा होना पड़ता है वहां पर, क्योंकि वहां पर सब गुरुओं के चेले आए होते हैं, गुरुओं जी की हाजिरी लगती है वहां पर। और फिर वहां पर जब हिसाब किताब होता है तो यमराज गुरु जी को भी डांटते हैं कि आप कैसे गुरु हैं, आपके चेले को तो इनके भाग्य में आ रहा है कि इनको नरक में जाना पड़ेगा। तो गुरु जी रोते हैं उस वक्त, चेला तो रोता है लेकिन गुरु जी भी रोते हैं। चेला कहता गुरु जी आपके चरणों में जुड़ने के बाद मुझे नरक में जाना पड़ रहा है। गुरु जी बोले बेटा मेरी गलती बता कहां है, तुम्हें मैंने मंत्र दिया, नाम जप, तुझे मैंने, मैं कथाएं करता रहा, मैं सत्संग करता रहा, मैं उपदेश देता रहा, तूने कभी सुना ही नहीं, तूने जो सुना उसको अमल में तू लाया ही नहीं। अब गुरु जी क्या करे? वो बात अलग है कि गुरु वाला, जो गुरु जी वाला होता है ना, जो गुरु वाला होता है उसको नरक मिल सकता है अगर वो पाप करता है। ऐसा नहीं कि गुरु मंत्र ले लिया तो स्वर्ग ही मिलेगा, इस भय में मत रहना। कोई बुद्धू बनाने के लिए, ठगने के लिए तुम्हें ऐसा लालच दे सकते हैं जैसा आजकल कई ये आतंकवादियों को दिया जाता है लालच के, तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मारो, तुम मर गए तो 72 हूरे बैठी हैं ऊपर स्वर्ग में, जन्नत में 72 हूरे माला लेके बैठी हैं, तुम्हारी अम्मा तुम्हें वहां गले में तुम्हारे माला डालेंगी। बुद्धू बनाते हैं आतंकवादियों को, तुम इधर मरो और दुनिया को मारो, तुम्हें 72 हूरे मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी तुम्हें स्वर्ग में, वो ऐसा बुद्धू बनाते हैं। तो ये बुद्धू बनाने वाले काम है, लेकिन क्षमा करना हमारी बातें सीधी हैं, जो है सच है सो है, डायरेक्ट बोलेंगे। बोलो राधे कृष्ण। शिष्य पाप करेगा नरक मिलेगा, वो बात अलग है कि बेगुरे को नरक भी नहीं मिलता। कहते हैं ना, नगुरा एक ना भेंटिए, पापी मिले 1000, एक एक नगुरे के सिर पर कोटि पापी को भार। कि आप गुरु वाला है पर पाप करता है, कोई बात नहीं, गुरु वाला है ना तो नरक में जाएगा, पापों की सजा भोगेगा, फिर से इंसान बन के आएगा दुनिया में, वो बात अलग है कि वो उसकी अगर मुक्ति नहीं होती, क्योंकि गुरुदेव ने अपने जीवन काल में जितने शिष्यों को नाम दान दिया होता ना,
जब तक उन सब की मुक्ति ना होगी, गुरु जी भी इस धरती को छोड़ के नहीं जा सकते। गुरु जी को भी बार बार इस धरती पर आना पड़ेगा। आपको जो गुरु जी मिले हैं, हो सकता है ये पहली बार मिले हों, हो सकता है ये हजारवीं बार मिले हों, पता ही नहीं। इसलिए आज ये बात जब सुन ली कि गुरु जी को भी धरती पर आना पड़ेगा, अपनी वजह से नहीं, हमारी वजह से, और गुरुदेव को यमराज की कचहरी में शर्मिंदा होना पड़ेगा हमारी वजह से, तो आज के बाद गुरुदेव को फॉलो करो। गुरु मंत्र लेने का मतलब यह नहीं कि गुरु जैसा चित्र बनाओ, चित्र बाद में, पहले गुरुदेव का चित्र, उसको अनुसरण में अनुसरण करो उसका, और उसके चित्र को अपना चित्र, उनके चित्र की तरह अपना चित्र बनाए, और जैसे जैसे गुरुदेव का चित्र आपके अंदर आएगा, आपका चित्र गुरुदेव जैसा खुद ब खुद हो जाएगा। बोलो राधे कृष्ण, राधे। और कई लोग देखना गुरु मंत्र लेने वाले, उनको मस्तक पर तिलक लगाने में शर्म आती है, हाथ में कंकण बांधने में शर्म आती है, गले में माला डालने में शर्म आती है, और कई तो ऐसे भी हैं महान आत्मा, उनको मंदिर जाने में भी शर्म आती है, सूर्य अर्घ देने में शर्म आती है, उनको खुद को हिंदू कहने में शर्म आती है। अब ये कौन है जिनके अंदर गुरुदेव का चित्र नहीं पहुंचा अभी तक, और मात्र गुरुदेव का मंत्र लेने से और नाम जपने से, याद रखना, नाम जपने से और गुरुदेव के हाथ में कंकण बांधने से पहली बार में मुक्ति नहीं होगी। जब तक तुम्हारा चित्र निखरेगा नहीं, तुम्हारा मन निर्मल ना होगा। रावण ने क्या नाम नहीं जपा था, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः, बहुत नाम जपा था। क्या हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकशिपु ने नाम नहीं जपा था? क्या मधु कैटब ने या शुंभ निशुंभ ने, शुंभ निशुंभ की कथा सुनना, श्रीमद देवी भागवत महापुराण में कथा आती है, क्या इन्होंने भजन नहीं किया था? तो भजन करने से, भगवान का नाम जपने मात्र से या मंदिर जाने से अगर तुम्हारा चरित्र शुद्ध नहीं होता है, तो भगवान का दर्शन करना भी व्यर्थ हो गया। कोई बोलेगा वो कैसे, भैया दुर्योधन कितनी बार भगवान श्री कृष्ण से मिले, शिशुपाल ने तो आंखों में आंखें डाल के भगवान को 100 गाली निकाल दी थी। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो याद रखना, गुरुदेव का संग करो, चरित्र गुरुदेव का अंदर तब जाएगा जब गुरुदेव का संग ज्यादा से ज्यादा होगा। शराबी का संग करो, 6 महीने किसी इंसान को शराबी के साथ रोज बिठाना, जब वो दारू पिए उसके साथ घूमे फिरे, 6 महीने के अंदर अंदर वो दारू पीने लग जाएगा। चुगलखोर के साथ रोज मिलना, महीने भर में चुगली करने का फुल एक्सपीरियंस हो जाएगा। चोरों का संग करना, 2-3 महीने में तुम्हें भी ले चलेगा कि चल बड़ा फायदा होता चोरी करने में। तो जब बुरे लोगों का संग करने से हम बुरे हो सकते हैं, तो क्या गुरुदेव का संग करने से हम गुरु नहीं बन सकते, गुरु जी जैसे नहीं बन सकते? अरे प्यारे, बन जाते हैं। इसलिए गुरु मंत्र लो, फिर गुरुदेव का संग पाने के लिए तरसो। कैसे? जैसे एक बेटी अपने मायके में जाने के लिए तड़पती है, बहाने ढूंढती है, मैं कैसे अपने मायके में जाया हूं, कई बार झूठा बहाना बना के चली जाती है। बोलो राधे कृष्ण। तो मेरे प्यारे, वैसे ही एक शिष्य को अपने गुरु घर में जाने के लिए चित्त में तड़प रखनी चाहिए। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। तो याद रखिए, यदि गुरु मंत्र लेने के बाद आपका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, तो उसमें आप सबसे बड़े दोषी। जब राक्षस लोगों को नाम जप करके सब कुछ मिल सकता है, तो तुम तो राक्षस नहीं हो, तो तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण क्यों नहीं हुई, तुमने मंत्र का जाप नहीं किया। दूसरी बात, मुक्ति तभी होगी जब तक तुम ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चुगली निंदा इन सब चीजों से जब तक तुम मुक्त नहीं होंगे, तब तक दुनिया से मुक्ति नहीं होगी। आना पड़ेगा बार बार तुमको, और तुम्हारी वजह से गुरु जी को भी। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। तो मेरे प्यारे, इसलिए सबसे पहले गुरु कौन है? मां। सवेरे उठकर के मां को प्रणाम करें। और दूसरे गुरु जी कौन? पिताश्री, उनको प्रणाम करें। और अपने घर में जो आप अपने से बड़े हैं, उनको प्रणाम कर लिया करें।
और तत्पश्चात फिर गुरुदेव का घर में चित्र रखा होगा। गुरुदेव का घर में चित्र रखना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। अभी चर्चा इसके बाद चित्र की होगी। कई लोगों ने गुरुदेव का चित्र रखा है, भगवान का फोटो उठा करके चल गंदे नाले में, वो चर्चा करेंगे अभी इन पाखंडी गुरुओं के बारे में। राधे कृष्ण बोलो। तो मेरे प्यारे गुरुदेव का चित्र रखें घर में, उनको प्रणाम कर लिया। वैसे तो गुरुदेव का चित्र अपने मन में रखो, बस बात खत्म। आंख बंद करो, गुरुदेव का दर्शन हो जाना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव का फोटो घर में रखा है, मन में गुरुदेव का फोटो नहीं है, तो ऐसा लगेगा कि गुरुदेव घर के मंदिर में ही है, बाकी हर जगह जो मर्जी करते रहो। कई लोग मंदिर में जाएंगे तो ऐसे बन जाते हैं कि मान लो सतयुग के बाद इनका अब अवतार हुआ है, हरिश्चंद्र के बाद सत्यवादी हरिश्चंद्र का दूसरा अवतार इनका ये हो गया है। मंदिर में जाके इतने अच्छे हो जाएंगे, क्या बात है भाई। आंख बंद करके खड़ेंगे, ऐसे हिलेंगे कि ले जी इनके जैसा भक्त दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और एकदम मंदिर से निकलेंगे, घर में पहुंचेंगे, बीपी हाई, तो बर्तन इधर उधर जा रहे हैं, चुगली निंदा में एक नंबर। इनको लगता है मंदिर में भगवान है, बाकी कहीं भगवान ही नहीं है। लेकिन जब मन में भगवान का दर्शन होने लगेगा, एक आंख में प्रभु का दर्शन, दूसरी आंख में गुरुदेव का दर्शन, तो किसी भी जगह तुम गलत काम नहीं करोगे। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। तो मेरे प्यारे, सवेरे उठकर के माता पिता को प्रणाम किया, फिर गुरु जी को प्रणाम। और गुरु मैंने बता दिया, गुरु अनेक सदगुरु एक। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। और गुरु मंत्र लेने का मतलब ये, मंत्र जाप करना है मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, और गुरु जी का संग करना है हमें गुरु जी जैसा बनने के लिए। गुरु मंत्र लेने का अर्थ एक ये भी है कि वो भी समय आ जाए कि लोगों को हमारे अंदर, हमारे बीच में हमारे गुरु का दर्शन होने लग जाए। लोग मजबूर हो जाएं ये पूछने पर कि ये उस गुरु का चेला तो नहीं, बोले हां जी। तो मेरे प्यारे, गुरु पूर्णिमा की बात चली थी, आप नित प्रतिदिन अपने मां बाप की इज्जत करें घर में। जो आपको आपके गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसका प्रतिदिन जाप करें। और कई लोग ऐसे भी हैं जो महीने में एक दिन बैठेंगे तो 3 घंटे उठेंगे नहीं, माला को भी चक्कर आएगा, और 29 दिन तो माला देखती रहेगी, कोई भैया हिला दो आके, मक्खियां बैठ रही हैं ऊपर, तो वो भी ठीक नहीं है। प्रतिदिन आप अपना नियम बनाएं, चाहे 11 माला ही बैठ करके जपो, बहुत जरूरी है 9 माला ही जपो आपके पास। अच्छा, कई लोग कहते हैं सवेरे समय नहीं होता, आलसी लोग कहते हैं ये कि सवेरे समय कम होता है। अरे कौन कहता है सवेरे काम समय नहीं होता, तुम 3:30 बजे उठो, 4 बजे नहा धो के बैठ जाओ, समय ही समय है। अब उठोगे 6 बजे, 6:30, 7 बजे उठोगे, फिर तो टाइम कम ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, लेकिन फिर भी जो लोग कहते हैं कि हम व्यस्त बहुत हैं, तो उनको चाहिए कि चाहे रोज की 3 ही माला जपें सवेरे उठ के, लेकिन अपना नित नेम ना तोड़े। जिनका नित नेम नहीं पक्का, उनका गुरुदेव के साथ प्रेम नहीं पक्का, और जिनका गुरुदेव के साथ प्रेम नहीं, उनको गुरुदेव की वाणी पर विश्वास भी नहीं। क्योंकि हम उस इंसान पर उतना ही विश्वास करते हैं जिस इंसान के साथ हमें जितना प्रेम होता है, और जिसके साथ हमारा प्रेम नहीं होता हम उसके ऊपर विश्वास भी नहीं करते। हमारा दुश्मन चाहे हमारे लिए सच्ची बात बोलता रहे, हम बोलेंगे बिल्कुल झूठ बोलता होगा, और जिससे हम प्रेम करते हैं वो सच, वो झूठ भी बोलता रहे, वो झूठ बोलता रहे, हम फिर भी सच मान लेते हैं, फिर वो बाद में बोलेगा मैं मजाक करता हूं वगैरह वगैरह। तो मेरे प्यारे ध्यान दें, जिनका नित नेम पक्का उनका गुरुदेव के साथ प्रेम पक्का, जिनका गुरुदेव के साथ प्रेम पक्का उनको गुरुदेव की वाणी पर विश्वास भी पक्का, और जिनको गुरुदेव पर विश्वास है उसी को भगवान के मिलने की आस है। मेरे प्यारे प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। तो इसलिए नित नेम कभी मत तोड़ो, कम से कम 3 माला सवेरे उठ के जपनी है। 3 हम कह रहे हैं, वैसे 21 माला का नियम है, और शास्त्र कहते हैं, पुराणों में भी वर्णन है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म पर लगाओ, और अपने 24 घंटे में से 3 घंटे का समय जिसमें तुम माला भी फेरो, अपने गांव के मंदिर में जाकर के आरती करो, घर में तो घर में भी करो, मंदिर में भी जाके करो। और आजकल हमारे हिंदुओं के मंदिरों में
अब थोड़ी सी जागृति धीरे धीरे आने लगी है। कई दल हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है वगैरह वगैरह, शिवसेना है, और ये कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने घर घर जाकर के, और हमारे सनातन के ब्राह्मणों ने, संतों ने घर घर जाकर के शंखनाद किया। अब थोड़ी सी जागरूकता धीरे धीरे बढ़ने लगी है, सोशल मीडिया पर भी ये ज्ञान की बातें फैल रही हैं, तो हिंदू थोड़े थोड़े जागृत होने लगे हैं। हिंदुओं के मंदिरों में, हमारे हम हिंदुओं के मंदिरों में कई कई जगह पर, कई स्थानों पर ऐसे भी मंदिर हैं, मंदिर तो बना दिए पर 9 बजे से पहले ताला नहीं खुलता। 8-8 गर्मियों में भी 7-8 बजे जाकर के पहली बार कोई कुंडी खोल करके जल का लोटा चढ़ाएगा। तो ये जो लोग अपने घर में तो 2 घंटा बैठ जाते हैं, लेकिन मंदिर में किसी ने जल चढ़ाने वाला जल चढ़ाता 9 बजे दोपहर के समय, तो तुम्हारे ऊपर भी उस पाप का तुम्हें भी फल भोगना पड़ेगा। अपने घर में भी नित्यनेम करो, और देखो 3 घंटे कैसा पूरा करने है तुमने। सवेरे उठे, नहा धोकर के तुम घर में भजन में बैठ गए, आधा घंटा तुमने भजन किया, फिर गांव में मंदिर में चले गए तुम, मान लो आधा घंटा ही किया, तुम नहीं ज्यादा बैठ पाते। तो सुनो, घर से निकलो, फोन कान में लगा के नहीं निकलना, फोन को जेब में डालो साइलेंट करके, बल्कि तो फ्लाइट मोड पे लगा दो। फिर गुरु मंत्र का मन में जाप करते करते बैठ नहीं सकते तो मंदिर में जाओ, गांव के मंदिर में, वहां जाकर के झाड़ू पोछा लगाओ, फर्श धो दो, और फिर वहां पर भगवान के जो विग्रह हैं उनको श्रृंगार करो भजन करते हुए, और फिर झाड़ू पोछा लगाने में, श्रृंगार करने में आधा पौना घंटा वो लग गया, आने जाने में आधा घंटा लग गया, घर में आ गए, और शाम को फिर यही नित्यनेम कर दो, इतना कर दो। शाम को झाड़ू पोछा नहीं करोगे तो आरती मंदिर में करो जाके। तो मेरे प्यारे, कम से कम 3 घंटे तुम्हारे दिन के निकलने चाहिए ईमानदारी से धर्म के लिए। ये मुस्लिम लोग, इनको देखना, तो मुस्लिम जो लोग हैं अपने ईमान के पक्के हैं भैया, ये कहते हैं ऐसे, ऐसा लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोग ईमान के पक्के हैं। अरे वो पक्के होंगे, वो बस में बैठ जाएंगे नमाज पढ़ने, वो सड़क में बैठ जाएंगे, वो गंदगी नहीं देखेंगे, वो साफ सुथरा नहीं देखेंगे, उनको जहां जगह मिलती है बैठ जाते हैं वो लोग, उनमें एकता भी है। और हिंदू, इनको काम ज्यादा जरूरी है, काम से मना नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि सवेरे टाइम कम होता है, वो ये जवाब दें पहले तो कि उठते कितने बजे हो। जो इंसान 3:30-4 बजे उठ जाएगा, ये जो डॉक्टर लोग जो हैं, इनका कहना है कि आप 10 बजे कम से कम 10 बजे सो जाइए और 4 बजे उठ जाइए, 6 घंटे सोइए बस, तंदुरुस्त रहेंगे। 6 घंटे से ज्यादा सोओगे तो बीमारियां भी आएंगी। तो मेरे प्यारे, 3 घंटे धर्म के लिए निकालिए, और कमाई में से 10वां हिस्सा धर्म पर लगाइए। अपने गांव में या किसी भी जगह मंदिर बनवाइए, अगर मंदिर नहीं बना सकते तो जहां मंदिर आदि बन रहे हैं वहां कुछ ना कुछ तिलफुल महीने बाद डाला करो। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। तो मेरे प्यारे, जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उनके लिए 365 दिन श्री गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन तड़पने की जरूरत नहीं है उनको। जो लोग किसी ना किसी वजह से घबराते हैं, तिलक लगाने में शर्म आती है, इनके लिए गुरु पूर्णिमा अभी तक आई ही नहीं है। सिख भाई लोगों को देखना, इतनी मोटी पग बांधते हैं सिर पे, एकदम से लपेट लपेट के, गर्मी सर्दी कोई मतलब नहीं, इतनी बड़ी कृपान लटका के घूमते हैं। और आज हिंदुओं को वेटलेस जनेऊ कंधे पर पहनना भारी लग रहा है, माथे पर तिलक लगाना इनको भारी लग रहा है। और हमारे सिख भाई लोग, ये भी हिंदू धर्म सनातन की एक शाखा है, वो बात अलग है कि खालिस्तानी लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है वगैरह वगैरह, वो सभी जानते हैं कि क्या बात हो रही है, क्यों ऐसा कहते हैं, लेकिन विशेष चर्चा। हमारी ही एक शाखा सिख भाई लोग सिर के ऊपर कितनी भारी और कितनी बड़ी पगड़ी पहनते हैं फख्र से, गर्व से। और ये जो सनातनी लोग हैं, इनको बेटलेस तिलक लगाना कोई भजन ही नहीं है, सिर्फ चिन्ह बनेगा, माथे पर तिलक लगाना भारी लगता है, इनको शर्म आती है। वो आधा किलो का कड़ा हाथ में पहनेंगे हमारे सिख भाई लोग,
और हमारे हिंदुओं को ये सनातनियों को हाथ में एक बेटलेस कलावा इतना सा बांधने में वो लज्जा शर्म आती है। क्यों? क्योंकि गुरु जी का चरित्र अभी सामने ही है, ना आंखों में है ना दिल में है। क्योंकि जिस दिन अंदर फोटो पहुंच जाएगा ना, तो वो फोटो बार बार देखेंगे ना तुम, तो बार बार वो ऐसा ही फोटो तेरा भी बन जाएगा। बोलो राधे कृष्ण। तो मेरे प्यारे, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर नित प्रतिदिन चलने का प्रयास करो। सभी बातें तो नहीं हो सकती, मैं मानता हूं बहुत से कार्य ऐसे हैं, क्योंकि समय और स्थिति, सारे काम जोश से नहीं होते, होश से काम लेना पड़ता है आजकल। तो सारे नियमों का पालन आप नहीं कर सकते, 24 घंटे माला लेके नहीं बैठ सकते, जितना पैसा कमाया वो नहीं धर्म पर लगा सकते, मैं मानता हूं। लेकिन थोड़ी सी कोशिश तो करो, थोड़ा थोड़ा तो समय निकालो, थोड़ा थोड़ा तो धन निकालो, थोड़ा सा तो बल लगाओ, थोड़ी सी तो कोशिश करो। तो मेरे प्यारे, गुरुदेव के आज्ञाओं का पालन करना, गुरुदेव के पदचिन्हों पर चलना और गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना, उनके दिए नाम का भजन करना। और गुरुदेव क्या देखना चाहते हैं? गुरुदेव देखना चाहते हैं कि मेरा शिष्य जब चले तो दुनिया रास्ता छोड़े, मेरा शिष्य जब बोले तो दुनिया सुनने पर मजबूर हो जाए, और मेरा शिष्य कहीं बैठ जाए तो सामने से आने वाले जाने वाले लोग ठहर जाएं, उसका ऐसा रुतबा हो, वो सनातन के साथ जुड़ करके ऐसी पहचान बनाए समाज में कि दुनिया सलाम करे जल से। तो इस प्रकार का अपना जीवन बनाना, अपने आप को ऐसा बनाना, ऐसा प्रयास करना, जो ऐसे कार्य लोग करते हैं उनके लिए नित प्रतिदिन गुरु पूर्णिमा है। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। तो मेरे प्यारे, एक छोटी सी चर्चा जरूर करेंगे। आजकल एंटी सनातनी लोग, गुरु कौन है, गुरु किसको कहते हैं? गुरु का काम है कि गुरुदेव अपने शिष्य को परमात्मा से जोड़े। वो कदापि गुरु नहीं हो सकता जो परमात्मा से किसी इंसान को तोड़ दे। आज ऐसे ऐसे गुरु आ गए, प्रभु श्री राम जी की, प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया की, भोले बाबा की प्रतिमाओं को उठा करके घर से नाले में गिरवा दिया। चेले बोलते हैं उनके कि हम किसका फोटो घर में लगाएं, तो वो कहते हैं कि किसी और का नहीं बल्कि हमारा। उनका कहना यही है कि हमारा, वो बोलते हैं हमारा फोटो रखो घर में। अब बताना ये गुरु है कि क्या है? ये क्या है जो भगवान से दूर कर रहा है? ये गुरु कदापि नहीं हो सकता। गुरु की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो भगवान से जोड़े। और भगवान कौन है? जिस भगवान, वह भगवान कौन है जिसने इस धरती को बचाने के लिए अरबों खरबों टन जहर पिया? भगवान कौन है जिसने इस धरती को बचाने के लिए, हम सबको बचाने के लिए बार बार अवतार लिए? वो भगवान है। तुम जो मार्केट में थोड़े टाइम पहले पैदा हुए, नया ही मॉडल तैयार होके आ गया, तुमने क्या किया समाज के लिए? जवाब देना। भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया के लिए क्या किया? दुनिया भगवान श्री कृष्ण से है, राम से है, प्रभु श्री राम से दुनिया है, महादेव से दुनिया है। और ये तब से है जब तुम्हारी गिनती खत्म हो जाती है, तुम गिनती नहीं गिन सकते वहां तक। इन्होंने कब से, तब से लेके अब तक, जब से इन्होंने सृष्टि बनाई, इन्होंने तब से लेके अब तक क्या क्या किया, तुम पढ़ते पढ़ते, तुम सुनते सुनते मर जाओगे। हजार जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें, तब भी खत्म नहीं होंगे इनके कारनामे, इनकी लीलाएं। और तुम जो कुछ साल पहले मार्केट में तुम नया ही मॉडल तैयार होके आए हो, तुम जवाब देना कि तुमने क्या किया? तुम जिसको भगवान बता रहे हो कि ये भगवान है, तुम जवाब देना कि उस तुम्हारे, तुम जिसको भगवान साबित करने में लगे हो, उसने क्या किया दुनिया के लिए? जवाब दो जरा, है कोई? तो मेरे प्यारे, प्रयास करें ऐसे ढोंगी लोगों के पीछे ना लगें। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। और लॉकडाउन चल रहा है, सरकार के नियमों का पालन करें,
और प्रयास करें कि अपने घर में, अब देखो पीछे कर्फ्यू था, आजकल सरकार ने बड़ा अच्छा कर दिया कि आपको 7 बजे से पहले पहले अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी, अच्छी बात है। परिवार के साथ समय मिल जाता है, इकट्ठे बैठ कर के भोजन खाओ, भोजन करने से पहले तुम ठाकुर जी की आरती उतारो इकट्ठे, जय जगदीश हरे। आज से 35 साल पहले 30 साल पहले लोग इकट्ठे होकर आरती उतारते थे, तो लॉकडाउन का इतना फायदा लो, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाओ और फिर आरती किया करो इकट्ठे होकर भगवान की, प्रेम से बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और बाकी एक बात जरूर याद रखें जीवन में कि तुम्हारा जीवन उसी दिन से बदलना शुरू होना चाहिए जिस दिन तुम गुरु मंत्र लेते हो, और तुम गुरु मंत्र नहीं लेते हो तो जीवन नहीं बदलेगा, तुम्हारी सोच नहीं बदल सकती, तुम्हारी समझ नहीं बदल सकती अगर गुरु जी का संग ना हुआ। और यदि आपके जीवन में आपकी इच्छाएं पूरी ना हुई तो इसका मतलब आपने गुरु मंत्र का जाप नहीं किया, और यदि आप गुरुदेव की तरह खुद को नहीं बनाते हो तो आप भी धरती पर दोबारा जन्म लोगे और अपने गुरुदेव को भी बार बार फंसाओगे। एक समय की बात है, छोटी सी कथा को सुन के फिर विश्राम देते हैं। एक समय की बात है कि किसी आश्रम में एक संत रहा करते थे, कुटिया बना के, और कई शिष्य गुरु जी के पास ही रहा करते थे। अब जीवन में एक बात सदैव याद रखना, बच्चे कितने भी चालाक बने, कितनी भी बच्चे होशियारी दिखाएं, पिता की नजर में आए ना आए, लेकिन जिस मां ने 10 महीने संतान को, औलाद को पेट में उठा के रखा होता है ना, वो अपने बच्चे की नस नस से वाकिफ होती है। जिस मां ने अपनी संतान को पूरी पूरी रात गले से लगा करके सुलाया होता है, वो बच्चे कितनी भी चलाकी अपनी मां से करें, लेकिन मां को पता होता है क्या सच है क्या झूठ है। ठीक वैसे ही एक गुरुदेव और दूसरे इष्ट देव परमात्मा, गुरु और भगवान से भी हमारी कोई खूबी और खामी छिपी नहीं रहती। और अजीब बात यह है कि ना कभी भगवान हमें हमारी वो खामियां, कभी देखना तुम भगवान के सामने बैठ के झूठ बोल दो, भगवान कभी बोलते हैं कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, खड़े हैं, और सदगुरुदेव भी देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि ये मेरा संग कर करके कब तक बदलता है। और कई बार गुरुदेव को डांटना भी पड़ता है, फिर बोलो राधे कृष्ण। गुरुदेव तो कभी कभार डांट भी देते हैं, जैसे भगवान कभी कभी छोटी छोटी गलतियों की सजा दे देते हैं, तो गुरुदेव और भगवान से हमारा कोई गुनाह कोई पाप छिपा नहीं रहता। वो बात अलग है कि गुरुदेव देख के अनदेखा कर दें, सुन के अनसुना कर दें। तो कई शिष्य थे और उन सब शिष्यों में एक ऐसा शिष्य था जो दिखावा करने में सबसे तेज था। और क्या करता कि जब काम करना होता तो छिप जाता था, और जब कोई देखना है कि अब आराम करने की बारी आई तो सबसे पहले लेट जाना। अब आश्रम में गुरुजी के और भी बड़ी संगत आती थी, जंगल में गांव से परे, गांव से हटके थोड़ा एक छोटा सा जंगल है, उस जंगल के शुरुआती में ही आश्रम था। और बताते हैं कि अब उस आश्रम में लोगों का आना जाना लगा रहता था, और जिस गांव के नजदीक ये आश्रम था उस गांव में से एक जाट, वो हर दूसरे तीसरे दिन सरसों का साग बना के लेके आता, और इतना बड़ा मक्खन का पेड़ा साग में डाल के डिब्बे में डाल के लेके आता। और बड़ी विचित्रता होती कि वो चेला उस जाट पे नजर रखता, उसको पता होता था कि एक दिन छोड़ के आता, इसलिए उस शिष्य ने काम ही वही करना जो आश्रम के मेन गेट के पास का काम होता था, और नजर रखने के कहां, जैसे जैसे देखा कि जाट आया सरसों का साग और मक्खन का पेड़ा लेके, तो दौड़ करके किसी ना किसी बहाने गुरुजी के पास आ जाता।
और जब मक्खन का पेड़ा और साग गुरु जी के पास वो जाट चढ़ा देता तो गुरु जी ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए उसे ही कहते और कह देते कि अंदर रसोई में रख दो, बाद में भोग सब पालेंगे। तो वो क्या करता कि वो साग के ऊपर से माखन जो था, मक्खन था, उसको उठा के अकेला ही खा जाता था। गुरुदेव ने 6 महीने देखा, 8 महीने देखा। अब गुरुजी कभी रसोई में देखने नहीं गए लेकिन सब पता था। तो क्या हुआ, एक दो बार गुरुदेव ने उसे डांटा भी कि बेटा जीवन में याद रखना कि जब कोई किसी का हक खाता है वो हक नहीं खाता बल्कि वो पाप खाता है और अपने अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में दुख आएगा, उसकी नींव वो अपने हाथों से भर लेता है। लेकिन वो नितनेम नहीं करता था, इसलिए गुरुदेव के साथ प्रेम भी नहीं था। प्रेम नहीं था तो गुरुदेव की बात पर विश्वास भी नहीं था कि गुरुजी तो बड़े प्रवचन करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। समय बीतता रहा, गुरुदेव ने बड़े सत्संग किए, बड़ी कथाएं की, बड़ी बार उसको लक्षित करके शिक्षाप्रद कहानियां भी, कथाएं भी सुनाई, लेकिन उसने जरा भी उस पर अमल ना किया। समय बीतता रहा और बताते हैं कि एक समय ऐसा भी आया कि गुरुदेव अपना शरीर छोड़ करके परलोक चले गए और कई वर्ष बीते और उसके बाद अन्य शिष्यों का जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो काम चोर शिष्य उसका भी स्वर्गवास हुआ, प्राणांत हुआ। और बताते हैं कि उसने भी शरीर छोड़ा। समय बीतता रहा और बताते हैं कि गुरुजी अगले जन्म में फिर से उस शिष्य की वजह से, क्योंकि गुरुजी ने ज्यादा शिष्य तो नहीं बनाए थे, वो 10-15 शिष्य होंगे, बाकी को तो शायद मुक्ति उनकी हो गई होगी, बस एक इस शिष्य की जो माखन बाकी के हिस्से का भी, बाकी अपने गुरु भाइयों के हिस्से का माखन जो खा लेता था, अब इसके कारण गुरुजी को भी धरती पर आना पड़ा। तो वही गुरुदेव धरती पर फिर से आए और फिर से साधु संत बन गए। और बताते हैं कि वो जो शिष्य माखन चोरी से खाने वाला था, वो मरने के बाद उसी जाट के घर में जो उसका पोता था, 2 पीढ़ी निकलने के बाद जो उसका पोता था, उसके पोते के घर में बैल बन के आ गया। बोलो राधे कृष्ण। अब बैल बन के आया। अब कहते हैं कि आप देखना, कई लोग बचपन से ही, बच्चों को देखना, वो बड़े गुस्सैले होते हैं। पिछले जन्म के स्वभाव हमारे साथ अगले जन्म तक भी आते हैं। इस जन्म में आप जो लोग गुरु मंत्र जिन्होंने लिया है, ये पिछले जन्म से भी गुरु वाले हैं, और जो लोग सनातन विरोधी बेगुरे लोग हैं, ये पिछले जन्मों से ही बेगुरे रहे हैं, ये नरक भोगने के लिए आए हैं और इनको नरक में ही जाना है। तो हमारे पिछले जन्म के कई सारे तो नहीं, लेकिन कई गुण और अवगुण हमारे साथ अगले जन्म में भी हमारे ऊपर बने रहते हैं। तो वो बैल तो बन गया, लेकिन बैल भी एक नंबर का निकम्मा। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सेहत तो तकड़ी थी, सेहत तो पिछले जन्म में भी तकड़ी थी, मक्खन खाता था खूब मोटा मोटा पेड़ा। बोलो राधे कृष्ण। और इस जन्म में बैल बनने के बाद भी सेहत तो बड़ी तकड़ी थी, बड़े लंबे लंबे सींग और बड़ा ऊंचा तगड़ा। लेकिन एक समस्या हो गई। अब पहले तो ये सलांगे लगा लगा के दूध पीता रहा गौ मैया का। अब जब थोड़ा बड़ा हो गया तो अब जाट का पोता, वो भी जाट, तो जाट ने सोचा कि ये बच्चा जो है इसकी सेहत बड़ी अच्छी है, ये हल जोतने में बड़ा लाभदायक होगा। तो अब उसको हल जोतने के लिए साथ में जोड़ने लगा। अब जो था ही काम चोर, बोलो राधे कृष्ण, पिछले जन्म में भी काम चोर था। तो बताते हैं कि वो काम चोर पूर्व जन्म का शिष्य इस जन्म में बैल बना, तो वो कुछ कदम हल को खींचे, अब हल खींचा ना जाए उससे, तो बैठ जाता था।
और बड़ा गुस्सा आता, जाट को डंडा लेके मोटा सा पिटाई करने लगता था और बड़ी पिटाई होती, और एक खेत को जोतने के लिए पूरा दिन लगा देता, बड़े डंडे पड़ते, साथ वाला बैल आराम से चलता रहता। तो मेरे प्यारे, ये काम तो चलता रहा। एक दिन बताते हैं कि बड़ी दोपहरी का समय, कड़कती धूप में वो बैल खेत के बीचों बीच बैठ गया और जाट को बड़ा गुस्सा आया, बड़ी मोटी एक लाठी लेके इस बैल को मारने लगा, और इतना गुस्सा आया कि मोटा तकड़ा इतना है और काम तो कुछ करता नहीं, हाथ में लाठी लेके इसकी पिटाई करने लगा। इतनी पिटाई की कि शरीर से लहू निकलने लगा। और मेरे प्यारे, इतना लहू निकलने लगा कि ये इतना ढीठ हो गया, अब उठ भी नहीं रहा है और डंडे खा रहा है। लेकिन बताते हैं कि पिछले जन्म के गुरुजी भी आज सामने से उसी रास्ते से निकल पड़े। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। जब उस रास्ते से निकले तो सामने अपने शिष्य को देखा कि मेरा चेला, मेरा शिष्य वो तो बैल बन के इधर मार खा रहा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कितने भी थप्पड़ मार दे, पर माँ जब किसी और के द्वारा अपने बच्चे को थप्पड़ मारते हुए देखती है ना, तो कलेजा फट जाता है, कलेजा फटता है और बड़ा गुस्सा आता है उस पे कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा। वैसे ही आज गुरुदेव ने जब अपने शिष्य की पिटाई होते हुए देखा कि मेरे शिष्य बैल की पिटाई हो रही है, तो गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए और गुरुदेव दौड़े दौड़े गए और उस जाट को जाके रोका। जाट को कहा कि भाई एक मिनट रुको, मारो नहीं, रुको। गुरुदेव ने उसे रोका। जाट ने बोला, नहीं, इस बैल को मैं मार दूंगा, जब घास खाने लगता है तो 10-10 टोकरे खा जाता है, वो भी कम पड़ते हैं इसके लिए, और काम करता है तो 10 कदम नहीं चलता। गुरुजी ने कहा कि देखो, तुम्हें पसीना पड़ रहा है, तुम जाओ पेड़ के नीचे बैठो, इसको, इसका इलाज मैं करता हूं, मैं एक कोशिश करके देखता हूं। अब गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि कोशिश करके देखता हूं, गुरुजी जानते थे जब यह इंसान बना, मैंने बहुत समझाया इसको, ये तब ना समझा, अब पशु बन के समझे ना समझे। तो गुरुजी उस बैल के पास बैठ गए और जाट गुस्से से डंडा वहीं गिरा करके पेड़ के नीचे चला गया। और बताते हैं कि गुरुजी उस बैल के पास बैठ गए और अपने उस शिष्य के शरीर पर निकल रहे जो लहू की धारे हैं, धार है, उसे देख करके गुरुजी की आंखों से आंसू की धार निकल पड़ी और उस बैल के सिर पर हाथ फेरने लगे। बैल ने भी अपनी गर्दन उठा करके गुरुजी के जो पाथरी लगा के गुरुजी बैठे, तो गुरुजी की गोदी में अपना सिर रख दिया और बैल भी रो रहा है। बैल ने देख लिया कि मेरे गुरुजी आए हैं, क्योंकि जुबान तो नहीं चलती, पहचान तो गया, तो गुरुजी की गोदी में सिर रख दिया, मानो कह रहा हो कि गुरुदेव मुझे बचाइए। गुरुदेव ने उसके मुंह के ऊपर हाथ फेरने लगे और गुरुजी रोते रोते बोले कि बेटा, डंडे खाने से जितनी पीड़ा तुम्हें हुई है, उससे 1000 गुना ज्यादा पीड़ा मुझे हो रही है कि मेरे बच्चे को इतनी बेरहमी से कोई मार रहा है, लेकिन लेकिन मैं क्या करूं, मेरे बच्चे पूर्व जन्म में, अगर तुम्हें याद हो कुछ तो याद कर, ये वही खेत हैं जिन खेतों में सरसों उगा करती थी, और इन्हीं खेतों में उगी हुई सरसों का साग बना करके इस जाट का दादा आश्रम में पहुंचाया करता था। ये वही जमीन है जिस जमीन में उगी घास को गौ मैया खाती थी, और उस गौ मैया को दूध होता, दूध से दही, और दही से फिर माखन बनता, वो माखन जो आश्रम में पहुंचता था, तो तुम उस माखन को खा तो लेते थे लेकिन सेवा के काम ना करते। तो उस माखन को खाने के कारण, चोरी से खाने के कारण, और किसी और का हक खाने के कारण, तुम्हें इसी खेत में आज बैल बनकर के हल खींचना पड़ रहा है। मेरे बच्चे,
मेरे बच्चे ये तेरे ही किए हुए पाप का फल है। तो बैल रंभाने लगा, मानो पूछ रहा हो कि गुरुदेव बहुत पीड़ा है, मैं इस पीड़ा से कैसे छूटूं। गुरुदेव ने कान के पास मुंह किया और मुंह पे हाथ फेरते फेरते बोले, बोले पुत्र एक ही तरीका है। तरीका यह है कि अब पहले जैसा आलस ना कर, जितना तेरे ऊपर इस किसान के परिवार का ऋण चढ़ा है उस ऋण का बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, ऋण से उऋण होना पड़ेगा। और जिस दिन वो उऋण उस ऋण से उऋण होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरा ये शरीर छूट जाएगा। और सुन, मेरे पास अभी कुछ और समय है, मैं तेरे लिए ही आया हूं, तू जल्दी से जल्दी उस ऋण से उऋण होकर के शीघ्रातिशीघ्र तू बैल योनि से मुक्ति पाकर के जब बैल होके मरेगा फिर तू मनुष्य योनि में आएगा, तो मैं तुम्हें ढूंढ करके तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा और तुम्हें फिर से शिक्षित करूंगा। मैं तो पहले चला जाऊंगा लेकिन इस सबक को तू ध्यान से याद रखना और फिर अगले जन्म में ये तुम पाप नहीं करोगे। मैं तुम्हें ये तुम्हारे इस जन्म का भी तुम्हें ज्ञान दे दूंगा और फिर निश्चित तौर पर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और इतनी बात जैसे ही गुरु जी ने बोली वो बैल एकदम से तन के खड़ा हो गया और मानो गुरुदेव की ओर देख करके कहने लगा कि गुरुदेव मैं अब तैयार हूं आपकी आज्ञा मानने के लिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। गुरु जी जाने लगे तो जाट हैरान हो गया कि बाबा ने ना जान से कौन सा जादू मंत्र कर दिया, बैल एकदम से खड़ा हो गया। भैया जिस बैल को रस्सी डाल डाल के रस्सी नीचे से घुमा करके खींच खींच करके उठाना पड़ता था, ये अपने आप खड़ा हो गया। तो जाट दौड़ा दौड़ा आया और बोले बाबा कृपा करो, ये कौन सा मंत्र इसके कान में फूंक दिया आपने, आप जा तो रहे हो वो मंत्र मुझे भी बता दो, दोबारा बैठेगा तो मंत्र बोलना पड़ेगा, आपको कहां ढूंढूंगा मैं। तो संत वो गुरुजी हंसने लगे, बोले जाट अब जरूरत नहीं पड़ेगी मंत्र बोलने की, क्योंकि ऐसा मंत्र मार के गया हूं, इसके कान में मैंने ऐसा मंत्र बोला है कि जब तक ये जिंदा रहेगा अब आलस ना करेगा। और बताते हैं कि उस शिष्य ने बैल बनकर के उस जाट के घर में अपना जितना ऋण से उऋण होने के लिए परिश्रम करना था वो किया। और एक दिन अचानक जाट जब बैल को देखने गया तो देखा कि बैल मरा पड़ा है। और बताते हैं कि अगले ही 10-11 महीने में वो बैल फिर से इंसानी जन्म में किसी के घर में जन्म लेता है और जिनके घर में जन्म लिया वो इसी संत के शिष्य थे, उन्होंने अपने बच्चे को भी गुरु मंत्र दिला दिया। और अब गुरु जी ने वो जो बैल बना था अब बच्चा बन के गुरु मंत्र लेता है, उसके माता पिता को और उस बच्चे को पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बता दिया, गुरु मंत्र दिया, शिक्षित किया और फिर उसकी मुक्ति होती है। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। तो याद रखें, आप किसी की जमीन दबा लेते हो, कई लोगों को आदत होती है, जो सांझी खेत की मेंढ होती है जिसको पंजाबी में बन्ना भी बोलते हैं, जब उसके पास जाएंगे तो कुदाली से बन्ने को ज्यों लगेंगे कुरेदने, घास काटने लगेंगे तो 2-4 मुट्ठी दूसरे के खेत की भी काट लेंगे, कोई देखता नहीं है, पैसे बांटने लगेंगे तो थोड़े पैसे जेब में ठूस लेंगे, इतने ही बने हैं। अन्न धन भूमि किसी भी प्रकार की तुम ठगी करते हो, 2 दिहाड़ी में आदमी लगे हैं, 400 रुपए दिहाड़ी दोनों की, एक कम काम करता है एक ज्यादा करता है, तो वो भी ठगी हुई, किसी का हक खाना हुआ, कितनी प्रकार की ठगियां हैं। हम वो किसी के भी साथ करते हैं मेरे प्यारे, उसका फल भोगना पड़ेगा, चाहे कोई शिष्य है, चाहे कोई गुरु है, चाहे कोई साधु है, चाहे सन्यासी है, जो गलत काम करेगा उसको गलत कार्य का फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ना मैं दंड देता हूं ना मैं माफ करता हूं, मेरे हाथ में है इंसाफ का तराजू, मैं तो सिर्फ इंसाफ करता हूं। तो मेरे प्यारे किसी के साथ ठगी ना करें। अब कई लोग कहेंगे जी हम किसी के साथ ठगी नहीं करते, लेकिन जो लोग गुरुदेव के बताए मार्ग पर नहीं चलते, गुरु मंत्र ले लिया
फिर गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलते नहीं, पूरा नहीं चलते तो 10% तो चले, नहीं चलते हैं तो वो गुरुदेव के साथ ठगी कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। इसलिए हमें क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है, गुरुदेव से पूछें जाके, गुरुदेव से सुन ले, पता लग जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर आपको वो अच्छे कर्म करने में अड़चन आती है तो गुरुदेव से आप जाकर के परामर्श लें, गुरुदेव से सलाह कर लें, गुरुदेव बताइए, कृपा करके कृपा करें, बताएं मुझे ये काम करने में दिक्कत आती है, मैं कैसे करूं, तो गुरुदेव सही मार्ग बताएंगे। तो मेरे प्यारे, दो काम याद रखना, मंदिर में जाओ, आपके गांव में मंदिर होगा, उस मंदिर में जाओ तो वहां पर, अब गांव के मंदिरों में प्रसाद तो रोज नहीं मिलेगा, तो आप वहां की पानी की टंकी में से दो बूंद पानी जरूर पी के आना। क्यों? अच्छा, कई बार कई लोग, एक जगह हमने ये कथा में ये प्रसंग सुनाया कि वो गुरुजी के घर में उसके चेले ने मक्खन खा लिया, तो एक कई शिष्य बातें करने लगे और हमें पता चला वो हमारे आश्रित ठाकुर जी के आश्रम में आगे, राधे राधे आश्रम में आके उन्होंने प्रसाद ही पाना बंद कर दिया। बोलो राधे कृष्ण। बोले गुरुजी का अन्न खाएंगे तो बैल बनना पड़ेगा, पड़ोसियों का खाओ फिर शेर बनेंगे। बोलो राधे कृष्ण। ऐसा नहीं है, अरे गुरुदेव के चरणों में जाओ तो प्रसाद जरूर लो, गुरुजी से मांग के ले लो, गुरुजी चाहे राख दे दे चूल्हे की उठा के। कभी भी गुरुदेव के पास जाओ, अपने गुरुजी के पास जाओ, संतों के पास जाओ, बेशक वहां से राख की चुटकी खा के आना। ये उस प्रसाद की बात नहीं कर रहे हैं जो हम गुरु घर में जाके प्रसाद पाते हैं। फिर हमने डांटा उनको, मैंने कहा अच्छी कथा सुनी तुमने, अर्थ का अनर्थ निकाल दिया। तो किसी भी कार्य, किसी भी ज्ञान की तर्क का अर्थ निकालने से पहले गुरुदेव से सलाह लेनी चाहिए, इसीलिए तो गुरु हैं। तो मेरे प्यारे, गुरु घर में जाएं तो प्रसाद जरूर पाके आए, गुरु घर का प्रसाद जो छोड़ के आता है अगले जन्म में भिखारी बन के पैदा होता है। इसलिए प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। गुरु घर में कभी भी जाएं तो प्रसाद पाके आए, और अपने गांव के मंदिर में जाएं तो वहां पर बेशक दो बूंद पानी की पी के आओ। क्यों? जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। अरे गुरु घर का और भंडारे का, मंदिर का प्रसाद खाने से मन पवित्र होता है, और पापी लोगों के हाथ का, कोई बोले कि चलो आज होटल में रोटी खाने जाना है भैया, आज पार्टी रही मेरी ओर से, पाप से कमाया हुआ पैसा है, तो उसके हाथों से अन्न खाने से पाप, मन पापी होगा, पर संत गुरु चरणों में बैठ करके प्रसाद पाने से मन पवित्र होगा। तो इसलिए ये बात इस तरीके से लागू नहीं होती, ऐसा अर्थ ना निकालें। प्रेम से बोलो राधे कृष्णा। बल्कि गुरु घर में जाएं फिर तो प्रसाद जरूर पाके आए, कभी गुरुदेव प्रसाद देना भूल जाए तो मांग लें, जी मेरा हिस्सा दीजिए क्योंकि मुझे मन पवित्र करना है। वो गुरुदेव के हाथों से स्पर्श हुआ प्रसाद जब हम ग्रहण करेंगे तो वो अंतःकरण तक पहुंचेगा, हमारे मन को शुद्ध करेगा। तो चलिए प्रेम से बोलो राधे कृष्णा। ठाकुर जी कृपा करें, जितने भी संसार में गुरुजन हैं उन सबको प्रणाम, जितने भी विप्रवृंद हैं जो सनातन के साथ लोगों को जोड़ने के लिए रात दिन प्रयासरत हैं उन सभी विप्रवृंदों को नमन, और जितने भी समस्त गुरुओं के शिष्य हैं सनातनी हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाई। यही विनती है ठाकुर जी से कि आप सबके ऊपर आपके गुरुदेव महाराज की, बांके बिहारी लाल की, भोले बाबा की, रामचंद्र भगवान की कृपा सदा सदा बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो चलिए राधे राधे आश्रम से लाइव कथा। राधे राधे आश्रम में हमारे यहां, जैसा कि संगत को बताया भी गया है, बहुत सारी संगत का बहुत सारा सहयोग पहुंच रहा है, और बता दें कि पिछले लगभग 8-10 वर्षों में राधे राधे आश्रम कीर्तपुर साहिब में और राधे राधे आश्रम दुख निवारण गौशाला नूरपुर बेदी के पास, इन दोनों आश्रमों में
जो कार्य है वो प्रगति पर है, दोनों आश्रम निर्माणाधीन है और सारी संगत जैसा कि जानती ही है कि इन आश्रमों में जो कार्य है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय ये कार्य राधे राधे आश्रम में चल रहा है और ये सारा कार्य संगत का ही उनकी नेक कमाई से निकला हुआ दसवां हिस्सा, सौवां हिस्सा, पचासवां हिस्सा, जितना वो निकाल सकते हैं, ये संगत का एक एक रुपया, मतलब यहाँ सरकार का नहीं, सच्ची सरकार की सच्ची संतानों का पैसा लग रहा है। तो इस आश्रम में भी कार्य चल रहा है, लगभग कंप्लीट करेंगे जब तक, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, इतना एरिया को जो अब हम ही व्यासपीठ एक तरफ लेके जा रहे हैं और कई कमरे यहाँ पर इनका निर्माण किया जाएगा, क्योंकि संगत आकर यहाँ रुके तो उनके लिए अलग से एक कमरा दिया जाए उनको, जिसमें वो अपना सामान रख सकें, सो सकें और सेपरेट उनको रूम दे सकें, कमरा दे सकें। तो वो कार्य चल रहा है, व्यासपीठ अलग से बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा हॉल बनाया जा रहा है और इसको कंप्लीट करते करते मेरे ख्याल से 25-30 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर। और आप परसों, आप लगभग जो निर्माणाधीन दुख निवारण गौशाला है उस वहां पर जो कार्य शुरू होने वाला है, वहां पर भी आप लाइव अपनी स्क्रीन पर देख लेंगे कि कौन कौन से कार्य राधे राधे आश्रम से, मोक्ष पंथ विश्व कल्याण ट्रस्ट से करवाए जा रहे हैं। ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि जितने भक्त वृंदों ने लॉकडाउन से पहले और उसके बाद भी जो बार 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 दान करते जा रहे हैं, उनका एक एक रुपया ठाकुर जी के घर में, ठाकुर जी की संगत के सेवा के लिए लगाया जा रहा है। और लॉकडाउन के खुलते ही श्री वृंदावन धाम में दुख निवारण गोपाल गोपाली का पवित्र आश्रम का शिलान्यास भी होने वाला है। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण। और वो कैसे होगा, ठाकुर जी जैसे करवाएंगे वैसे ही होगा। तो प्रयास रहेगा हमारा कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है वृंदावन भी खुल जाता है, तो वृंदावन धाम में जो दुख निवारण गोपाल गोपाली आश्रम है, उस आश्रम का भी शिलान्यास किया जाएगा और आप सभी भक्त वृंदों को शीघ्रातिशीघ्र श्री वृंदावन धाम में भी एक भव्य, अच्छी अच्छी सुविधाओं युक्त आश्रम आपको मिलेगा, जहां पर आप जाएं, रुकें, ठहरें। आपको खाने की व्यवस्था अपने घर जैसी होगी, आपको वहां रहने की व्यवस्था आपके अपने घर जैसी होगी और आपको वहां जाकर के कतई ना लगेगा कि आप घर से कहीं अलग आए हो। तो मेरे प्यारे, ऐसा एक भव्य आश्रम बनाने का जो हमारे इस ट्रस्ट का सपना है, वो भी जल्दी ही उस सपने को पूरा करने के लिए कार्य शुरू किया जाएगा। तो चलिए, आप सब जितने भी भक्त वृंद हमारे साथ जुड़े हैं, याद रखें कल से जो श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र कथा लाइव होगी, उसका समय दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गलवान घाटी में जितने भी हमारे फौजी भाई शहीद हुए, चाहे फिर वो गलवान घाटी में हमारे शहीद हुए फौजी भाई हो, या फिर पुलवामा का हमला हो, या कारगिल का महायुद्ध हो, या किसी भी प्रकार के जितने भी हमारे अन्य भी शहीद फौजी भाई शहीद हो जाते हैं, ये कथा उन सभी शहीद फौजी भाइयों के लिए राधे राधे आश्रम की ओर से एक श्रद्धांजलि है। और इस कथा की सेवा पंजाब डिस्ट्रिक्ट रोपड़ विलेज कांगड़ और हमारे ही ट्रस्ट के आश्रम के बहुत उच्च कोटि के सेवादार, जो कि इस वक्त श्री शिव चरण विलीन हो चुके हैं, श्री अशोक धीमान जी, उनका परिवार इस कथा की सेवा ले रहा है। तो चलिए, ठाकुर जी कृपा करें, कल से हम इस कथा को सुनेंगे और देशभक्ति के कुछ भजनों के साथ। और इस कथा में कई पिछले लगभग 7-8 दिनों में कई ऐसे भजन उनकी आपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपने कई जगह ऐड देखी होगी कि वो भजन आने वाले हैं, जो हमारे हाथों द्वारा ठाकुर जी ने लिखवाया, हमारा हाथ पकड़ के उन भजनों को, और उस उन भजनों में जो संगीत की सेवा है वो सुचा जी देंगे। तो उन भजनों को भी आप इस कथा में सुन पाएंगे, प्रेम से बोलो राधे कृष्णा। लेकिन उनके अलावा ये भजन आपको कहीं भी ना मिलेंगे, हॉलीवुड, बॉलीवुड, यूट्यूब, किसी भी चैनल पर कहीं नहीं मिलेंगे।
क्योंकि ये भजन ठाकुर जी ने राधे राधे आश्रम हमारे हाथों से इस आश्रम में लिखवाए हैं, और कंपोजिशन भी इनको कंपोज, इनका जो म्यूजिक है उसको कंपोजिशन भी सुचा जी करेंगे, और जो देशभक्ति के नए नए भजन है इन भजनों का भी आप आनंद लेंगे। कम से कम रोज एक भजन फौजी भाइयों की शहादत के लिए उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम समर्पित करेंगे। तो चलिए, जितने भी भक्त वृंद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं वो याद रखें कि कल से जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी ये भी लाइव होगी। राधे राधे आश्रम में आकर के इस कथा को सुनने का प्रयास कोई ना करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और कथा भी सुरक्षित तरीके से हो जाए इसलिए सुविधा बनाए रखें। तो जितने भी भक्त वृंद हैं आप अपने घरों में बैठ करके परिवार के सहित आप लाइव श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनेंगे, और इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ विशेष रहस्यों पर प्रकाश डालेंगे और कुछ ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे जो एंटी सनातनी लोग सनातनियों का धर्म परिवर्तन जिस माध्यम से करवाते हैं वो भी प्रकाश डाला जाएगा, और भगवान श्री कृष्ण की कुछ ऐसी अनसुलझी और अनसुनी कथाओं के बारे में सुनेंगे कि सुनकर के कहीं ना कहीं मन में सनातन और धर्म रूपी परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण भगवान के प्रति यदि किसी प्रकार की श्रद्धा में उतार चढ़ाव है तो वो भी परिपक्व होगी। तो चलिए, ठीक कल 1 बजे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ होगा, लेकिन सभी भक्तवृंद अपने घरों में ही कथा सुनेंगे, यहां तक कि मुख्य यजमान भी अपने घरों में ही घर में बैठ करके ही कथा सुनेंगे। कोई भी भक्तवृंद राधे राधे आश्रम में ना आए, और जो भक्तवृंद फौजी भाइयों के निमित्त लाइव होने वाली इस कथा में दान करना चाहता है, जो इन दोनों आश्रमों में जो लगभग 30-35-40 लाख का खर्चा लगभग अभी होगा, क्योंकि अभी बिल्डिंग बनेगी, फिर टाइल्स लगेगी, मार्बल लगेगा, बहुत से कार्य हैं दोनों तरफ, तो ये 35-40 लाख का जो खर्चा है इसमें जो लोग दान करना चाहते हैं, जो भी लोग दान करना चाहते हैं यथाशक्ति, वो कल से आपके मोबाइल की स्क्रीन पर बैंक का अकाउंट नंबर, अच्छा चल रहा है, वो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर नीचे देख रहे होंगे, हाँ वो अच्छा चल रहा है नीचे अकाउंट नंबर, वो आप यहां से ले सकते हैं। कल से भी आप मतलब रोजाना या जो भी पहले यहां से कथा लाइव हुई है हर कथा में अकाउंट नंबर नीचे लाइव चलता रहता है लाइव कथा में, तो आप इस अकाउंट में अगर गुप्त दान भी करना चाहते हैं तो गुप्त रूप से आप इस अकाउंट में डलवा सकते हैं, क्योंकि बैंक में पहुंचा हुआ एक एक रुपया आपके सामने यहां पर लग रहा है, लगता भी रहेगा। और जो भक्तवृंद किसी भी प्रकार की कथा की जानकारी लेना चाहते हैं, दान करने के लिए जानकारी लेना चाहते हैं, वो भक्तवृंद भी नीचे लिखे नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 9781433367 हमारे आचार्य महेश जी का नंबर है, 9569885005 हमारे सेक्रेटरी साहब जी का नंबर है, ये उनसे आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं कथाओं के बारे में, आश्रम के बारे में, आश्रम के खर्चे के बारे में, और अकाउंट नंबर आपके सामने इस वक्त आप लाइव कथा इस सत्संग में स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जैसे कि आचार्य जी हमें सूचना दे ही रहे हैं, बगल में बैठे हैं, कि बहुत से भक्त वृंदों का बहुत सारा दान आश्रम के अकाउंट में पहुंच रहा है, और कल भी बहुत से भक्तों का लगभग 50,000 के तकरीबन जो आचार्य जी बता रहे हैं वो दान पहुंचा हमारे पास आके, क्योंकि सरकार का पैसा नहीं है, ये सच्ची सरकार के सच्ची संतानों का पैसा है। तो भगवान करे जिन भी हाथों से दान हो रहा है भगवान उनको लाख गुना दे देंगे, ये भगवान बोलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, गौ सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, धर्म के सेवा के लिए जो भक्तवृंद संगत की सेवा के लिए दान करना चाहते हैं वो खुले दिल से दान करें, प्रेम से बोले राधे कृष्ण। और जो लोग दान नहीं कर पाते कोई चक्कर नहीं है, अरे भैया तुम जितनी देर लाइव कथा सुनते हो तुम्हारा जितने रुपए का ये नेट पैक में डाटा जितना खर्च होता है ना जितने रुपए का, वो कुदरती भगवान ऊपर लैपटॉप में अपने कंप्यूटर में ऐड कर रहा है तुम्हारे अकाउंट में, डरो नहीं, ये भी दान है, तो कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं दान नहीं कर सकता बस कमेंट में राधे राधे लिख दिया करो, क्योंकि हमारी भिक्षा तो वही है। तो चलिए एक बार जोर से राधे राधे हो जाए, एक भजन की फरमाइश आ रही है बार बार, उस भजन की दो लाइनें हम सभी गा देते हैं
और उसके बाद फिर आरती कर देंगे। एक बार प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, कि जय 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 श्री राधे श्याम। तो जो संगत किसी कारणवश हमारे पास नहीं पहुंच पाई क्या, जिस संगत को हमने मना कर दिया था कि आप आश्रम में ना आए, आप घर में बैठे कृष्ण भगवान को तिलक लगाएं, वो जगत गुरु है और उसी भगवान के पवित्र विग्रहों को आप तिलक लगाएं और भगवान को तिलक लगा देंगे, वही गुरु पूजन है। तो मेरे प्यारे, वो सभी भक्त वृंद किसी प्रकार का अपने दिल में अपने मन में मलाल ना करें, खेद ना करें। आपके गुरु पूजन को ठाकुर जी ने स्वीकार लिया है। जहां तक मुझे याद है कि जितने भक्त वृंद राधे राधे आश्रम से जुड़े हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर में लड्डू गोपाल नहीं है। जिनके घर में नहीं भी थे लड्डू गोपाल, उनको लड्डू गोपाल हमने आश्रम की ओर से दिए हैं। और एक और आज गुरु पूर्णिमा के दिन ही हमारी एक और घोषणा कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर से कथाएं होंगी, फिर से हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हम ज्यादा नहीं तो अगले 2021 में ज्यादा नहीं तो 10,000 के तकरीबन लड्डू गोपाल संगत में बांटें, संगत के घर में ठाकुर जी को प्रवेश करवाएं। तो मेरे प्यारे, आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और उनको ही तिलक लगाइए। सबके गुरु परमात्मा कृष्ण हैं, शंकर भगवान के गुरु भी भगवान श्री कृष्ण हैं। तो चलिए, और आप सदैव नेक मार्ग पर चलें और एक भजन की दो लाइनें, उसके बाद आरती करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, ओ लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी गुरु नाम वाली मेहंदी, ओ नाम वाली मेहंदी गुरु नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी गुरु नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी गुरु नाम वाली मेहंदी, हुण लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, हुण लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी। इस मेहंदी दी चमक अनोखी, 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 नहीं मिलदी सबना नु सोखी, 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 भागा वाले लांदे गुरु नाम वाली मेहंदी, लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, हुण लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, ओ लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी। हे मेहंदी ना मिलदी बाजारों, 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 हे ना मिलदी लखा हजारों, 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 भागा वाले लांदे कृष्ण नाम वाली मेहंदी, ओ लादो वाले लांदे कृष्ण नाम वाली मेहंदी, हुण लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, ओ लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी गुरु नाम वाली मेहंदी, ओ नाम वाली मेहंदी गुरु नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी गुरु नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी गुरु नाम वाली मेहंदी, हुण लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, ओ लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, हुण लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, ओ लादो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी। ए मेहंदी मीरा ने लाई, ए मेहंदी मीरा ने लाई,
मेहंदी मीरा ने लाई, मेहंदी मीरा ने लाई, मेहंदी तन्ने ने लाई, मेहंदी तन्ने ने लाई, मेहंदी तन्ने ने लाई, मेहंदी तन्ने ने लाई, अपने गुरां नाल प्रीत निभाई, अपने गुरां नाल प्रीत निभाई, अपने शाम नाल प्रीत निभाई, अपने शाम नाल प्रीत निभाई, लालो लालो सारे राधा नाम वाली मेहंदी, लालो लालो सारे राधा नाम वाली मेहंदी, ला दो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, ला दो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी गुरु नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी गुरु नाम वाली मेहंदी, मैं नाम वाली मेहंदी गुरु नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी गुरु नाम वाली मेहंदी, हुण ला दो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, ला दो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, ला दो सतगुरु जी मैनू राम वाली मेहंदी, ला दो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, इस मेहंदी दी क्या है निशानी, 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 दिल विच प्रेम अखां विच पानी, 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 भागां वाले लांदे हरी नाम वाली मेहंदी, भागां वाले लांदे हरी नाम वाली मेहंदी, किस्मत वाले लांदे राधा नाम वाली मेहंदी, किस्मत वाले लांदे राधा नाम वाली मेहंदी, हुण ला दो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, ला दो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी गुरु 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 नाम वाली मेहंदी, हुण ला दो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, ला दो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, हुण ला दो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, ला दो सतगुरु जी मैनू नाम वाली मेहंदी, राधा नाम वाली मेहंदी गुरु नाम वाली मेहंदी, ओ कान्हा नाम वाली मेहंदी, नाम वाली मेहंदी गुरु ला दो, नाम वाली मेहंदी ला दो, बोलिए प्यारे सतगुरु महाराज जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मेरे प्यारे ठाकुर जी की कृपा सभी सभी गुरु प्रेमियों के ऊपर बनी रहे, सभी गुरु भक्तों पर बनी रहे, यही विनती है ठाकुर जी महाराज जी से। और जितने भी भक्त वृंद हमारे साथ जुड़े हैं, बाद में भी जो भक्त वृंद हजारों की संख्या में जो सत्संग का श्रवण करते हैं और शेयर भी करते हैं, आप सबके जीवन में परमात्मा की कृपा सदा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ इस पवित्र सत्संग को विश्राम देते हैं। लेकिन जरूरी सूचना फिर से, कल से जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुरू हो रही है, उस कथा में वीर रस का आनंद हम ज्यादा लेंगे। और यह कथा सरहद पर जो हमारे फौजी भाई शहीद हो जाते हैं, उन सभी शहीद फौजी भाइयों के लिए राधे राधे आश्रम से श्रद्धांजलि है। एक बार जितने भी भक्त वृंद लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, जय हिंद का कमेंट कर दीजिए, प्रेम से लिख दीजिए बाद में राधे राधे। तो चलिए, ठाकुर जी की कृपा सदा सदा आप सभी पर बनी रहे, आपका प्रेम ठाकुर जी के चरणों में और श्रद्धा विश्वास गुरु जी और भगवान पर सदैव बनी रहे, यही विनती है। तो चलिए एक बार प्रेम से कहें जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हल्के सी दो लाइनें महामंत्र की बोलें, फिर आरती करें।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे ओ कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः शिवाय 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 के जय जय श्री राधे जो बोले सोन रभे हर हर महा बोलो शंकर भगवान की श्री बांक बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांक बिहारी तेरी आरती गाऊं बांक बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांक बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझ को रिझाऊं ओ आरती गाऊं प्यारे तुझ को रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझ को रिझाऊं ओ आरती गाऊं प्यारे तुझ को रिझाऊं कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तव शीश पे सोहे मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसुरी मेरो मन मोहे इस बंसी पर बलि बलि जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हेरा
ज्यादा प्यारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया है तारी, उन चरणों में शीश निभाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, भक्त जनों के नाथ आप हो, भक्त जनों के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, निश दिन तेरा दर्शन पाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती कर्पूर गौर कर्णावतान संसारिंदे भवानी सहित नमामि त्वामेव माता पिता त्वामेव त्वामेव बंधु सखा त्वामेव त्वामेव विद्या जनंतमेव त्वामेव सर्वं मम देव देव ओम देव हरजान तिरंतर।